लेकिन ये कि बिकॉज़ ये कि सन ऑनलाइन क्लास तो हम जो है ना उस प्रोसेस रिकैप कर लेंगे इससे पहले हमने जो जो डिस्कस किया उसको एक तरह से रिकैप करेंगे ठीक है ना तो सही सर लेट मी शेयर यू द स्क्रीन आपको ये आवाज वगैरह आ रही है ना क्लियर जी सर आवाज क्लियर है सर सारी ठीक है तो ये जो है हमारा we were, we were discussing about bonds तो तो पहले तो ये कि कोई बताएगा मुझे कि व्हाट व्हाट इज बॉन्ड वो किस तरह से फर्क है लोन से सर भी लोन लोन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता तो सिक्योरिटी वाला जो पर्पज है कि लोन ट्रांसफर नहीं।, नहीं होता थी। लेकिन बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं जो दिस इज द की डिफरेंस बेसिकली जो के उसको अलग करता है ठीक है तो आ, और कोई इसके अलावा कोई सर बॉन्ड जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है से आपकी अगर इन केस के अगर गवर्नमेंट इशू करता है तो उसको हम बॉन्ड कह देते हैं एंड अगर इन केस के अगर कोई

और एक मैच्योरिटी डेट के ऊपर आके आपको फेस वैल्यू इसके ऊपर आपको मिलती है हां ठीक है और एनीथिंग एल्स अह सर ये भी है बॉन्ड जो है वो एक कैश इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है हम्म सर बॉन्ड दैट ट्रेडेबल एंड हैव अ सेकेंडरी मार्केट आल्सो सेकेंडरी मार्केट तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस uh, की क्लास के अंदर और आप लोगों को माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आ, तो बॉन्ड का हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने जो है बात की थी वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन जो है आ, हमने ये डिस्कस किया था कि जो है बॉन्ड की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स और लेकिन इसकी मार्केट में ये है कि दे आर मोस्टली ओन्ड एंड ट्रेडेड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन तो जैसे अनलाइक स्टॉक्स आर मोस्टली ओन्ड एंड ट्रेडेड बाय स्मॉल इन्वेस्टर्स वहाँ पे बेस ज्यादा होता है लेकिन बॉन्ड के अंदर ये होता है कि इन्वेस्टर की तादाद कम होती है लेकिन ये कि ट्रेडिंग क्योंकि ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम वाइज बॉन्ड बहुत बड़ी मार्केट है एज कंप्यूटर स्टॉक लेकिन ये तो कि क्योंकि इसकी इन्वेस्टर बेस इतना बड़ा नहीं होता इसलिए हम लोग इतना इसको जानते नहीं हैं आम इन्वेस्टर के फॉर्म में तो उसके बाद जो है हमने वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था अच्छा बिफोर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है की फीचर्स तो इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि बॉन्ड्स और शेयर्स के अंदर वैल्यूएशन पॉइंट में फ़र्क है तो क्या क्या फर्क है कोई बताएगा अगर हम कंपेयर uh, करें बॉन्ड्स और स्टॉक को तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड्स और स्टॉक किस तरह से फर्क है आपस में ये तो खैर बहुत please. सारे फर्क हो सकते हैं लेकिन मैं की बात कर रहा हूं जो वैल्यूएशन के

जी मेच्योरिटी पे, पे आपको कंफर्म हुआ एक अमाउंट एक कमिटेड होती है स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता स्टॉक स्टॉक के अंदर आप डिपेंड कर रहे होते हैं कंपनी के जो है उसके ऊपर परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर सही जो कि ऊपर और नीचे सर इंटरेस्ट रेट पे एक फैक्टर है वैल्यूएशन का बॉन्ड्स और स्टॉक में क्या फैक्टर इंटरेस्ट रेट का सर इंटरेस्ट रेट का क्या फैक्टर है वैल्यूएशन सर अगर ओपन इंटरेस्ट रेट जी जी मैं सर मैं बोलूं हां हां बोलो अगर ओपन मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर, अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो हाँ. कम हो जाएगी और अगर ओपन मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर जो है कम होगा तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी तो स्टॉक और बॉन्ड के अंदर जो जो मेजर जो फर्क है ना वो दो तीन चीजों में आ रहा है एक तो कैश फ्लोज फिक्स नहीं होती हैं स्टॉक्स uh, की exactly. और बॉन्ड में आपके कैश फ्लो या तो फिक्स होती हैं या किसी बेंचमार्क के तहत होती हैं अगर फिक्स रेट बॉन्ड है तो उसमें कैश फ्लो फिक्स होंगी फ्लोटिंग रेट है तो उसके अंदर एक बेंच होगा स्टॉक में कोई ऐसा बेंच नहीं होता दूसरा बॉन्ड स्टॉक में जो फर्क है वो मेच्योरिटी का आता है कि बॉन्ड है मेचोरिटी कभी ना कभी मच्योर हो रहा होता है और स्टॉक जो है वो परपेचुअल कहलाता है वो कभी मेच्योर नहीं होता तो स्टॉक परपेचुअल है यानी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है वो अपनी हैंड्स बदलता रहता है नए बंदे के पास चला जाता है लेकिन बॉन्ड एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है तो ये दो मेजर फर्क है स्टॉक और बॉन्ड के और तीसरा एक फ़र्क आता है वो ओनरशिप का आता है स्टॉक जो है वो वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ द कंपनी और बॉन्ड जो है वो ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं करता अच्छा ये फ़र्क मोस्टली uh, समझ में आता है कि इट्स नॉट अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क हो कि ये वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा लेकिन इसका फ़र्क वैल्यूएशन पे भी होता है ओनरशिप कॉन्सेप्ट का फैक्ट वैल्यूएशन पे होता है ये तो हमने ख़ुद भी देख लिया था जब हमने स्टॉक के जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो माइनॉरिटी प्रोस्पेक्टिव का वैल्यूएशन और मेजोरिटी का वैल्यूएशन में बहुत फ़र्क था तो मेजोरिटी प्रोस्पेक्टिव में भी स्टार्ट फ्रॉम फ्री कैश फ़्लो और माइनॉरिटी में भी स्टार्ट फॉर डिविडेंड तो डिविडेंड पॉलिसी जो है वो वैल्यूएशन पर अफेक्ट कर रही होती है तो इसी तरह से जो है बॉन्ड्स की जो ओनरशिप है वो भी वैल्यूएशन पर अफेक्ट करती है कि स्टॉक क्योंकि ओनरशिप है तो उसकी कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट है वो उसके पास होती है तो एक तो ये फ़र्क भी हो सकता है तो ये मेजर uh, मोटे मोटे फर्क थे फिर जो है हमने वी अबाउट दिस की फीचर्स बॉन्ड के अंदर तो हमने तीन चार फीचर्स डिस्कस किए थे पार वैल्यू पार वैल्यू क्या इट्स फेस वैल्यू फेस अमाउंट ऑफ द बॉन्ड इसको हम टाइम वैल्यू मनी के कॉन्टेक्स में हम क्या कहेंगे इस पार वैल्यू को कोई बताएगा जी फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू वैल्यू

8% को जो उसके ऊपर अमाउंट है वो कोपन इंटरेस्ट रेट है अच्छा हां ठीक और एनीबॉडी एल्स सर कोपन कोपन रेट बेसिकली जो आपका होता है सर उसमें होता है कि आपकी इयरली बाय इयरली एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर एक सर्टेन अमाउंट होता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है फेस uh, वैल्यू का जो कि उसे एंड ऑफ द ईयर या जो भी कूपन के अंदर डिसाइड होता है उसके हिसाब से उसे मिल रहा होता है और कोई फर्क एनीथिंग ये कूपन रेट जो है ये आ, तो फिक्स होता है और इंटरेस्ट रेट जो है ये डिपेंड करता है ऊपर नीचे ये आ, तरी कर रहा होता है हाँ इसको जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो टोटल बॉन्ड का रिटर्न है और कूपन अच्छा जो जो भी रिटर्न होता है वो दो तरह के रिटर्न आता है एक तो ये आता है कि जब आपने उसमें कैश फ्लो कितनी मिल रही है जो अगर आप शेयर खरीदें या बॉन्ड खरीदें तो उसमें एक रिटर्न ये होता है कि आपको उसमें कैश फ्लो कितना मिल रहा है डिविडेंड कितना मिल रहा है कूपन पेमेंट कितनी मिल रही है और एक रिटर्न ये होता है कि आपकी प्राइस में कितनी चेंज आ रही है तो ये दोनों मिला के टोटल रिटर्न करते हैं तो आपकी जो है जैसे शेयर आपने कोई खरीदते हैं तो एक तो अगर आपने एक साल के लिए शेयर खरीदा है तो उसका रिटर्न कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे कि एक साल में आपको कितनी कैश फ्लो मिली है और सेकेंडली है कि उसमें ऐड कर देंगे अगर आपने एक साल खरीद के बेचा होगा तो जो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय द ओरिजिनल प्राइस तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस वो जब दोनों ऐड करेंगे तो वो आपको टोटल रिटर्न बनेगा तो इसी तरह से आप ये बॉन्ड के कॉन्टेक्ट्स में इंटरेस्ट रेट इज जी एफ टी एम इज द टोटल रिटर्न ऑफ द बॉन्ड अच्छा इसके अंदर दो पार्ट होते हैं कैश फ्लो और कैपिटल गेन और लॉस तो कैश फ्लो का रिटर्न वो कूपन कहलाता है तो आप ये समझ लें कि कूपन रेट जो है इट जस्ट वन पार्ट ऑफ द रिटर्न दूसरा पार्ट होता है कैपिटल गेन और लॉस तो मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती जहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो पार वैल्यू के हिसाब इक्वल होगी तो वहाँ पे दे कैपिटल गेन और लॉस तो आपका कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट सेम होगा जब आपका आपकी जब प्राइस जो है वो पार वैल्यू से ऊपर चली जाएगी तो आपको क्या होगा ये एक्चुअली पहले इंटरेस्ट रेट में चेंज आती है अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कूपन रेट से तो पार प्राइस आपकी पार वैल्यू से कम हो जाएगी

प्रीमियम पे होगी यानी थाउजेंड्स ज्यादा होगी या कम होगी कम होगी सर डिस्काउंट कम होगी होगी सर होगी ज्यादा होगी क्योंकि कूपन रेट टेन परसेंट है जबकि इंटरेस्ट रेट आपके 8 परसेंट है हाँ। तो इसकी वजह से आपकी जो आपकी जो प्राइस ज्यादा होगी हो प्राइस ज्यादा होगी हमने कैलकुलेट भी किया था क्लास में बारह सौ चौतीस बारह सौ होगी सर बारह प्राइस बन रही थी तो हमने ये देखा भी था कि वो प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी तो अब आप अभी अब ये देखें कि अगर आठ परसेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो अगर और प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स के यू वुड हैव अ कैपिटल डेप्रिसिएशन तो अगर कि किसी ने बारह में वो बॉन्ड खरीदे खरीदेगा तो वो उसको हज़ार रुपये मिलेंगे तो दो सौ चौंतीस का लॉस होगा तो वो जो लॉस होगा वो अगर हम बॉन्ड की अगर हम एनुअल रिटर्न की फॉर्म में करेंगे तो वो वो जो है टू परसेंट का होगा तो तो वो जो जो है है टोटल रिटर्न था और उसके अंदर कूपन रेट था टेन परसेंट और वो कैपिटल गेन और लॉस माइनस टू हुआ तो वो बन के एट परसेंट बन गया तो इस तरह से जो है हमने जो है इसमें हमने ये देखा था तो ये फर्क होता है इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट के अंदर अच्छा फिर हमने जो इसमें कैलकुलेशंस की थी वो हम आगे देख लेते हैं लेकिन फिर पिछली क्लास में भी डिस्कस अबाउट कॉल प्रोविजन और दो तीन प्रोविजन डिस्कस किए थे तो कोई बताएगा थोड़ा सा कॉल प्रोविजन के बारे में कॉल स्कॉलर बॉन्ड मेरे खान से कहलाते हैं सर ये इसमें बेसिकली होता है कि आपका जो इशूअर जो है वो एक सर्टेन जो है उसको एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर वो जो

कि वो बॉन्ड को अपने मेचोरिटी डेट से पहले किसी भी व्यक्ति भी कॉल कर सकता है यानी रिडीम करवा सकता है और एक खास प्राइस पे जिसको हम कॉल प्राइस कहते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है कि अच्छा वो क्यों कराता है वो इसलिए कराता है कि अगर इंटरेस्ट रेट और कूपन के अंदर फ़र्क हो जाता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो वो आ, वो कॉल करके जो है वो नया बॉन्ड इशू कर सकता है कम रेट पर ठीक है इसलिए वो कॉल करता है नॉर्मली तो ये कॉल प्रोविजन उसी वक्त एक्टिव होगी कि जब आपकी जो प्राइस होगी वो कॉल प्राइस से ज़्यादा होगी हमने डिस्कस भी किया था और हमने ये भी देखा था कि हाउ टू वैल्यू अ कॉल उसमें हमने देखा था कि वी फर्स्ट वैल्यू अ बॉन्ड एज इफ इट नॉट बीन कॉल्ड उसकी प्राइस निकालेंगे सेकेंड स्टेप ये होगा उसकी प्राइस को कंपेयर करेंगे कॉल प्राइस के साथ और फिर थर्ड स्टेप ये होगा अगर उसकी कॉल प्राइस से प्राइस ज़्यादा है तो कॉल होगा तो उसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे टाइम वैल्यू यानी मच्योरिटी की और उसकी आ, फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू विल देन बी कॉल प्राइस और मेचोरिटी होगा कि जिस टाइम पर वो कॉल एक्टिवेट होगा कर सकता है कॉल तो इस तरह से जो है ना आप उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो कॉल कॉलेबल बॉन्ड जो है वो एक प्रोविजन होता है ये जो है ये फेवर करता है इशूअर को और इन्वेस्टर के लिए नुकसानदेह होता है इसी वजह से जो है कॉल अगर अगर तो इन्वेस्टर क्यों उस पर जाएगा उसकी वजह ये होती है कि दैट इन्वेस्टर विल चार्ज प्रीमियम अगेंस्ट दैट दैट बाइंग बॉन्ड और उसको हम कहते हैं कॉल प्रीमियम

तो ये ये इस वजह से जो है ना ये आ, आ, जो है कॉल प्रीमियम जो है दैट विल बी उसके आगे प्रीमियम जो है दैट इज द प्री दैट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न जो इन्वेस्टर डिमांड करते हैं अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बॉन्ड बीइंग कॉल्ड दूसरा हमने डिस्कस किया था सिंकिंग फंड ये कोई बताएगा एनीबॉडी सुवर जो होता है वो उसको रीबाय कर सकता है ब्लेटिंग सिस्टम के जरिए

रिटायर कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द टर्म वो कम हो तो और तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम ना हो तो आ, इसके लिए हम एक फंड सेटअप करते हैं और वो फंड जो है वो वो जो है वो बॉन्ड को मार्केट से हलसा रिटायर करता है तो कंपनी जो है वो अमाउंट ऑफ कैश जो है वो ट्रांसफर करती है उस फंड पर और वो फंड जो है उस कैश से जो है परसेंटेज जो है वो बाय कर रहा होता है तो अगर वो उसकी प्राइस जो है मार्केट प्राइस से कम होगी तो वो मार्केट से बाय कर लेगा अगर उसकी प्राइस जो है पार वैल्यू से कम होगी क्योंकि कंपनी जो है वो पार वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टर को ट्रांसफर करती है और अगर पार वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा वो बैलेटिंग होती है और जिसका नाम निकलेगा उसको उस पार वैल्यू पे रिटायर करना होगा तो इस तरह से जो है Uh, अच्छा अगर आप uh, और ये प्रोविजन होती है इट इज मेंशन इन द इन द बॉन्ड अब सवाल ये है कि ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टर के लिए अच्छा समझा जाता है या बुरा यानी कि इट बी अ प्रीमियम ओवर ओवर किरिंग फंड बॉन्ड और इट विल बी कैरिंग अ डिस्काउंट यानी कि उसकी जो प्राइस उसका जो रेट होगा इंटरेस्ट रेट क्या वो उससे ज्यादा होना चाहिए या क्या इन्वेस्टर के लिए प्रीमियम है या डिस्काउंट है तो उसमें दो चीज चीजें हैं तो एक तो एक तो नेगेटिविटी है कि इन्वेस्टर जिसका भी नाम निकलेगा उसको जो है वो Call, वो जो है दैट बिकेम कॉलेबल एट पार तो डेट वुड बी हर्टिंग दैट इन्वेस्टर लेकिन इसमें इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो हर एक हंड्रेड परसेंट का नहीं निकलेगा मे बी वन और ओवरऑल इतना बड़ा इफेक्ट प्राइस पे नहीं होगा नंबर वन और नंबर टू ये कि इसकी वजह से डिफॉल्ट रिस्क जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती आगे बलून पेमेंट करने की बहुत बड़ी पेमेंट तो ये दो प्रोविजन की वजह से फंड वुड बी न्यूट्रलाइज और इसका कोई खास इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं पड़ेगा तो oh, ये अच्छा फिर valuation पे आई थी हमने हमने जो है वो भी डिस्कस कर लिया बाकी, कुछ और किए थे दैट आर कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं क्या होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड कोई बताएगा ये आपको विजिबल है ना सर कन्वर्ट सर कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़ा था कि

के प्राइस कम हो जाएगी तो कंबाइन अगर अगर बेनिफिट ऑफ द दिन इन्वेस्टर का बेनिफिट अगर बॉन्ड में होने पे ज्यादा होगा, तो होगा तो वो बॉन्ड में रखेंगे अगर शेयर पे होने के ज्यादा होगा तो वो शेयर में कन्वर्ट करेंगे वो इन्वेस्टर कब ज्यादा होगा कि जब शेयर के कम्बाइन प्राइस जो है वो बॉन्ड की प्राइस से ज्यादा हो जाए यानी अगर वन टू टेन है और शेयर सौ रुपये का बॉन्ड हजार रुपए का है तो दैट uh, मीन्स के शेयर अगर सौ से ऊपर चला जाएगा तो वो कन्वर्ट होने का हो जाएगा तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं

के एक सर्टेन अमाउंट में उसके शेयर्स पर और एक सर्टेन प्राइस में जो मार्केट रेट से शायद कम होता है तो स्टॉक ऑप्शन होता है तो वारंट के साथ जो अटैच्ड एक स्टॉक ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो है यू हैव एन ऑप्शन के आप जो है ना एक सर्टेन अमाउंट जो है वो बाय कर सकते हैं आ, इसका ताल्लुक बॉन्ड से नहीं होता अगर आप बॉन्ड किसी को दे भी दें या सेल भी कर दें तो ऑप्शन आपके पास होता है तो वारंट इज़ अ पॉजिटिव अच्छा कन्वर्टेबल बॉन्ड हैज अ पॉजिटिव प्रोविजन तो मे बी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा uh, उसकी प्राइस ज्यादा हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉन्ड जिसकी वजह से उसका रिटर्न कम है सिमिलरली वारंट uh, जो है वो मोरली मोस्टली मैंने जैसे लास्ट क्लास में बा बात की थी कि इट इज काइंड ऑफ यानी कि यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड तो उसको सेल sell, सेलेबल बनाने के लिए जो है ना आप मुख्तफ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे होते हैं उसमें एक वारंट भी होता है इट मे नॉट बी हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द बॉन्ड प्राइस लेकिन इसमें कोई डाउन नहीं है अगर आप कुछ स्टॉक ऑप्शन दे भी रहे हैं किसी इन्वेस्टर को तो कंपनी का अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा नॉर्मली ये ऑप्शन होते हैं इसको कहते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन आउट ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन जिसकी जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस होती है वो आमतौर पे मार्केट प्राइस से बहुत हाई होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर सौ रुपये का चल रहा है तो मे बी स्टॉक ऑप्शन जो आपको दिया जाएगा वो वन का दिया जाएगा अब ना वन का में अगर ये कह रहा है कंपनी के यू कैन बाय हंड्रेड शेयर एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज जबकि मार्केट में सौ रुपये चल रही है नो बडी वोल एक्सरसाइज एट दैट टाइम तो ना कंपनी को कोई नुकसान होगा क्योंकि वो एक तरह से आपको एक पेपर पे दे देता है ना इन्वेस्टर का कोई फायदा लेकिन ये उस वक्त हो सकता है कि इन्वेस्टर और ये फ्री में दे रहा है तो इन्वेस्टर का कोई ना ना कोई ऐसी कॉस्ट पे कर रहे हैं लेकिन फायदा उस वक्त हो सकता है जब आगे जाके कंपनी की प्राइस वन हो जाए तो उस वक्त इन्वेस्टर इसको कैश कर सकते हैं करने के लिए उसको जो, जो ना के अंदर कुछ किया जाता है, है, है? इन्वेस्टर इसमें, इसमें को, देती है को के अगर बॉन्ड के प्राइस कम हो जाए तो वो बॉन्ड को सेल कर सकते हैं कंपनी को उसी प्राइस में जिसमे उसने परचेस किया था बॉन्ड में में ऑप्शन ऑप्शन जो है वो कंपनी के पास था पोर्टेबल में ऑप्शन इन्वेस्टर के पास होता है तो इन्वेस्टर एज एन ऑप्शन टू सेल दैट बॉन्ड बैक टू द एट अ सर्टेन प्राइस तो वो कब करेंगे एक्सरसाइज जब इसकी जो मार्केट में प्राइस जो है अगर उस प्राइस से कम हो जाएगी तो वो सेल कर देंगे वरना जो है अगर मार्केट में उस पुट प्राइस से ज्यादा अगर प्राइस होगी तो वो कभी सेल ही नहीं करेंगे तो ये जो है डाउन साइड रिस्क को सपोर्ट करने के लिए अब पोर्टेबल बॉन्ड के अंदर आपको पता है कि अगर जितना भी इंटरेस्ट रेट और प्राइस का इन्वेस्ट प्रोपोर्शन है तो यू कैन नॉट इन्वेस्टर का जो लॉस है वो जीरो तक नहीं जा सकता वो एक ख़ास प्राइस तक जा सकता है उस प्राइस के नीचे अगर बॉन्ड जाएगा तो वो पुट हो जाएगा तो दैट मीन्स के वो लॉस कवर होगा इसके अगेंस्ट जो है दैट इज uh, उस प्राइस होती है वो नॉर्मल बॉन्ड ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसका रेट कम होता है तो इट्स अ काइंड इट हैज अ डिस्काउंट इसमें जो है रेट में डिस्काउंट मिलता है

तो वो अगर जिस पैसे से वो जैसे अगर रोड्स बना रही है तो वो रोड का टोल जो है वो मोरलेस फिक्स होता है तो इस वजह से इन्वेस्टर को इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि वो इनकम में वेरिएशन हो जाए तो इस वजह से जो है वो इन्वे... सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही नहीं सर आवाज नहीं आ रही है बस चल रही आवाज आ रही है सबको नहीं आवाज नहीं आ रही अभी यार शहर का डिस्कनेक्ट और, हो गया शायद शहर का शायद कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया डिस्कनेक्ट हो गया यार ये ज्यादा अच्छा है जूम से ना क्या कहते हो तो आप लोग

एफिशिएंसी नहीं है इस पर खर्च करना है बैटरी बैटरी भी ज्यादा चूस रहा है डाटा भी जल्दी खा रहा है बैटरी तो एप्लीकेशन कंप्यूटर की होती है ना बैटरी की कंजम्पशन पे कैसे इंपैक्ट होगा इसका ये मैंने तो मोबाइल पे इंस्टॉल किया है इसको मोबाइल का चार्जर लगा लें साथ <laughs> चले हुसैन भाई उतनी देर बाकी की हमें वो बता दें फॉर्म्स बॉन्ड की उसके बाद एक ही एक ही बॉन्ड रह गया था जो इंडेक्स बॉन्ड है इंडेक्स बॉन्ड के अंदर आपको पता होगा कि इसका जो इन्फ्लुएंस infl इन्फ्लेशन जो होता है उसको कवर करता है ये आखिरी बॉन्ड था इसके बाद कोई बॉन्ड नहीं सब याद करके बैठे हैं क्या भाई सिर्फ साथ पिछले वीक को एक हफ्ता तो हुआ है एक हफ्ते में याद रखता क्या होता है जी इंडेक्स में सर इंडेक्स बॉन्ड जो होता है वो इन्फ्लेशन को कवर करता है जो इन्फ्लेशन अगर होगा ज्यादा तो उसको कवर जी सो इंडेक्स वो इन्फ्लेशन इंडेक्स भी हो सकता है वो कोई और इंडेक्स भी हो सकता है तो हाँ मतलब जो एनी एनी बॉन्ड जो जिसमें जो है आपका जो जो के किसी खास इंडेक्स से टाइड होता है इसको हम इंडेक्स बॉन्ड कहते हैं अब वो इंडेक्स क्या होता है वो मे uh, बी uh, जैसे वैसे तो आप ये देखें कि uh, बहुत सारे बॉन्ड जो है टाइट होते हैं इंडेक्स के साथ लेकिन ये जो इंडेक्स बॉन्ड अमूमन जो कहा जाता है उसमें ये बॉन्ड ऐसे uh, उसके साथ टाइट होता है विच इज लिंक टू द कमोडिटी तो कमोडिटी नॉर्मली इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती कम होती है फॉर फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया या और कोई दूसरा पेट्रोल हो गया तो ये ऑयल प्राइस हो गई तो ये जो है अगर आप अपने रिटर्न्स को इसके साथ टाई कर लेंगे तो विच इन्फ्लेशन तो आपका जो रिटर्न बढ़ेगा या कम होगा वो 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 भी जो है वो, उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से जो है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी तो इसका जो रिटर्न होगा दैट इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड तो वो रियल फॉर्म में रिटर्न मिलता है आपने पढ़ा होगा नॉमिनल रिटर्न इज रियल प्लस इन्फ्लेशन तो अगर हम रियल रिटर्न की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो वो ज्यादा बेहतर है कि इंडेक्स बॉन्ड

अब वो गोल्ड प्राइस किस से फॉलो करते हैं तो वो एक्चुअली हम हमने ये पैरिकली देखा है कि गोल्ड प्राइस या दूसरे ऐसी कमोडिटीज जो होती हैं वो इन्फ्लेशन से को बड़ा हद तक फॉलो कर रही होती हैं तो मतलब हम तो ये भी कहते हैं गोल्ड जो है इट्स अ वेरी नेचुरल हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो अगर आप सौ साल की भी हिस्ट्री गोल्ड की निकालेंगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को कोज कर कर रही होती है तो इस इस पॉइंट से हम कहते हैं कि अगर आपकी आपका जो बॉन्ड है वो किसी ऐसे चीज के साथ टाइड हुआ हुआ है कि जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती कम होती है तो फिर आपका रिटर्न भी वैसे ही बढ़ेगा एक बॉन्ड था जिसको टिप्स कहते थे ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी अभी भी है वो उसमें ये होता है कि जो ये यूएस गवर्नमेंट इशू करती थी पहले किया था अब नहीं करती लेकिन वो पुराने इशूज जो है वो ट्रेड हो रहे हैं तो वो जो उसमें ये होता था कि वो जो आपका इंटरेस्ट रेट जो कूपन जो मिलता था वो आपकी सी जो उनकी होती थी उसके हिसाब से होता था तो जो जो, जो उस क्लोजिंग जो टाइम की जो सीपीआई थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके हिसाब से वो कूपन कर रहे थे तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी ऑफ ऑफ अ बॉन्ड जिसके अंदर जो है यू हैव अ रिस्क रियल रिस्क फ्री रेट ठीक है ना क्लियर है यस सर क्लियर है तो Sorry, जी हमने सारी थ्योरी पढ़ ली लेकिन अगर इधर प्रैक्टिकल में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पाकिस्तान में कौन सा बॉन्ड और कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं कहाँ में इन्वेस्ट कौन सा बॉन्ड वै, वैसे उसे? वैसे उसे ये सारा प्रैक्टिकल पढ़ के ये नहीं लगा हमें कि कहीं भी इन्वेस्ट कर लो रिटर्न सेम ही है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक है सारे पॉइंट्स मतलब अगर उसमें पुट होगी तो भी प्राइस में इफेक्ट आ जाएगा कॉल होगी तो भी होगा व्हाट डू यू से सर देखें ये जो रिटर्न्स की जो बात है ना किस में बेहतर है ये तो मेरे लिए कुछ और होगा इनके लिए कुछ और होगा आपके लिए कुछ और होगा क्योंकि ये रिस्क पे डिपेंड करता है तो आ, हर रिस्क प्रोफाइल के अंदर जैसे अगर यूनिट वन यूनिट रिस्क है तो उसके अंदर जो रिटर्न होगा वो तमाम सिक्योरिटी का मॉलेज बराबर हो जवाब जा, जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट आर्बिट्राज ऐसा हो जाता है कि विद इन एवरी सिक्योरिटी जो कि उस प्रोफाइल के अंदर होंगी उसके अंदर रिटर्न बराबर होगा खासतौर पर बॉन्ड्स के कॉन्टेक्ट में लेकिन यह कि हर सिक्योरिटी का रिटर्न दे मूव तो इसमें रिस्क भी है तो अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो उसके लिए जो है वो जो सिक्योरिटीज होंगी वो अलग होंगी अगर आप लो रिस्क अवर्स हैं तो उसके लिए अलग होंगी तो ये हम उसको किसी एक नहीं कह सकते कौन सा बेहतर है वो बेहतर जो है देखें ऐसा कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि विल गिव यू अ गुड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न विदाउट एनी रिस्क तो अगर ऐसी सिक्योरिटी होती तो मैं आज नाम ले लेता आपसे कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर दें तो लेकिन ये कि कोई ऐसी सिक्योरिटी रिस्क फ्री नहीं है तो हर एक की रिस्क अपीटाइट होती है और उस रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं ठीक है ना तो मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता ये, लेकिन ये 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 है कि मार्केट जो है अगर एक सिक्योरिटी या दो सिक्योरिटी के रिस्क बराबर है everything, everything constant, तो रिस्क कैटेगरी मोरलेस एवरी स्टॉक और एवरी बॉन्ड जो है उस कैटेगरी वाला जो बॉन्ड है वो सेम रिटर्न पर ट्रेड कर रहा होगा uh, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर ये ना uh, हो लेकिन मुझे सिर्फ नॉलेज के लिए पूछना था कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है क्या नंबर वन नंबर टू ये क्रिप्टो तो करेंसी ली, जो है वो बॉन्ड बॉन्ड नहीं है बिकॉज बॉन्ड uh, के अंदर यू हैव अ कैश फ्लो उसका रिटर्न आ रहा होता है It's, ये तो करेंसी है करेंसी की फॉर्म में और ये लीगल टेंडर नहीं है तो अभी तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो एसेड डिमांड है ट्रांजेक्शनल डिमांड इतनी नहीं है यानी कि कहे कि लोग इसको ट्रांजेक्शन के लिए नहीं खरीद रहे हैं लोग इसको एज एसेट क्लास खरीद रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी जो है इट्स यू कैन से इज लाइक अनदर काइंड ऑफ अ वर्चुअल एसेट जाके बहुत सारे एसेट क्लास है उसके अंदर एक इजाफा हो गया मैं उसको इस पॉइंट पे करेंसी नहीं कहूंगा आई डोंट नो मैं मैं जहाँ हम लोग रहते हैं इवन यहाँ पे तो डेफिनेटली वो करेंसी नहीं है क्योंकि कोई बंदा इस करेंसी को फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज नहीं खरीदता तो अभी फिलहाल तो ये बहुत अर्ली टू से है कि वो क्रिप्टो करेंसी जो है वाकई में करेंसी बनेगी या नहीं बनेगी क्योंकि करेंसी बनने का जो है ये डिपेंड करता है कि जब आपकी डेली ट्रांजेक्शन जो है उस करेंसी में पॉसिबल हो यानी कि आप अपनी डेली ग्रॉसरी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकें यानी बिटकॉइन से आप डेली ग्रॉसरी खरीद सकें बिटकॉइन से आप जो है किसी को पेमेंट एक्सेप्टेबल हो जाए आप अपने फ्यूज की पेमेंट बिटकॉइन से कर सकें तो जब तक कि ये नहीं होगा ये करेंसी नहीं होगी तो इस वक्त आई डोंट नो मतलब मैं तो नहीं समझता कि दुनिया में किसी भी जगह क्रिप्टो करेंसी जो है वो एज अ करेंसी यूज हो रही है सिर्फ जो अभी इस वक्त जो यूज हो रही है वो ऐसे डिमांड की वजह से हो रही है बिकॉज वो डिमांड सप्लाई की वजह से तो दो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो क्रिप्टो करेंसी हद तक है और दूसरा है कि लीगल टेंडर भी कहीं दुनिया में आए नहीं है ये तो जब तक वो लीगल टेंडर नहीं होगा तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो इट सर चले तो आज जो है हम कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो है Uh, uh, हमने डिस्कस किया then, अच्छा तो so, एक इक्वेशन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी इसका व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल तो ये आज हमें हम डिस्कस करेंगे ये इसकी है तो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इक्वेशन यानी कि जो आपका जो रिटर्न आर इज एनी इंटरेस्ट रेट यानी कि कोई भी जैसे अब अब आर जो है इंटरेस्ट रेट इट कुड रेंज फ्रॉम सेवन परसेंट जैसे मैंने एक बात की थी कि पिछली क्लास के अंदर कि इंटरेस्ट रेट जो है दे आर डिफरेंट एट लेवल फॉर्म बट दे मूव इन मूव टूगेदर तो यू हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेस्ट रेट मे बी यू स्टार्ट एट वन एंड फ्रॉम सेवन परसेंट एंड यू एंड अप एट मे बी ट्वेंटी परसेंट और ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है ये एक साथ मूव करेगा विद द गवर्नमेंट पॉलिसी तो अब सवाल यह है कि ये जो आर है ये कोई भी एक लेवल फॉर्म में किसी भी क, 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 किसी भी चाहे वो गवर्नमेंट का बॉन्ड हो चाहे वो कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड हो ट्रिपल ए का वाला बॉन्ड हो या जंग बॉन्ड हो जो भी हो उसका एक रिटर्न है ये उस स्पेक्ट्रम में किसी जगह प्लेस हो रहा होता है तो आज हम ये बात करेंगे कि वो जो रिटर्न है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं तो यानी कि इसमें जो है इन्होंने पांच ब्रॉडर कैटेगरी की चीजें शामिल की हैं आर आई पी एम आर एमआरपी डीआरपी और एलपी

और वाई लेवल फॉर्म वो इन तीन वजह से होती है क्लियर है तो ये आज हम डिस्कस करेंगे ये तीन चीजें क्या है ये पांच चीजें क्लियर आगे चले जी yes, ये आवाज क्लियर आ रही है मुझे बता है। हाँ क्योंकि समटाइम वो इशू हो जाता है नेट का मुझे पता नहीं चलता तो बारह क्लियर है सर आवाज बिल्कुल अच्छा ना तो ये ये देखें ये आ, आ, जो है आ, ये हम इंडिविजुअल्स इंजरी ये स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा ये पांच आइटम्स की डिटेल्स है तो वो हम इंडिविजुअली उसको डिस्कस करते हैं ठीक है तो आर डी इज द कोटेड मार्केट रेट विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ये ये आउटकम है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ये डिस्कस करते हैं पहला तो आर स्टार है, है, है इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है ये दोनों इंटरेस्ट रेट है तो ये ये पहला जो है इसको कहते हैं रियल रिस्क फ्री रेट ठीक है ना ये रियल रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि रिस्क लाइक सिक्योरिटी इफ देर इज जीरो इन्फ्लेशन अगर एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि रिस्क फ्री हो यानी कि जिसमें डिफॉल्ट रिस्क भी ना हो और वो इन्फ्लेशन भी ना हो ऐसी सिक्योरिटी को रियल रिस्क फ्री कहते हैं तो पहला तो एक हाइपोथेटिकल रेट है रियल रिस्क फ्री रेट ये हर एक में शामिल होता है ये हाइपोथेटिकल इसलिए कहता हूं कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता अगर आज आप कहेंगे पाकिस्तान में रियल रिस्क फ्री रेट क्या है तो आप नहीं बता सकते क्योंकि कोई ऐसी सिक्योरिटी ऑफर ही नहीं हो रही जहाँ जो रियल रिस्क फ्री रेट ऑफर करे ठीक है ना जो जो रिस्क फ्री रेट हम जो कहते हैं रिस्क फ्री रेट वो होता है रियल रिस्क फ्री रेट विच स्टार प्लस आई तो अगर आर आई पी जो एड uh, करते हैं तो ये बनता है रिस्क फ्री रेट आर एफ आर आर एफ जो किया, के आर एफ हम डिस्कस करते थे ये रिस्क फ्री रेट जो है ये क्या, ये जैसे ट्रेजरी बिल का रेट uh, है उसको हम रिस्क फ्री रेट कह सकते हैं ठीक है लेकिन वो जो रेट होगा उसके अंदर दो कॉम्बोनेंट होंगे वन इज आर स्टार विच इज रियल रिस्क फ्री रेट और दूसरा आई पी विच इज इन्फ्लेशन प्रीमियम तो ये दोनों मिला के केल नौमिन, बनता है तो नॉमिनल इज इक्वल्स टू रियल प्लस इन्फ्लेशन तो जो रियल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है ये एग्जिस्ट करती है तो इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है अच्छा व्हाट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द प्रीमियम दैट इज चार्ज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो अगर आपका सीपीआई रहा है तो होगा क्या कि जो भी नॉमिनल फॉर्म में आपको पैसा मिल रहा होगा उसकी उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहेगी जब आपके परचेजिंग पावर कम होती रहेगी तो इन्वेस्टर को उस नॉमिनल रिटर्न लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम डिमांड करेंगे किन्वेस्ट इन दैट सिक्योरिटी और वो जो प्रीमियम होगा वो इन्फ्लेशन प्रीमियम कहलाएगा एक चीज़ समझ लें यहाँ पे एक चीज मुग़लता हो जाता है वो ये होता है कि हम अज्यूम ये करते हैं कि जो प्रीमियम है ये सी है तो एक्चुअली सी जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ बता रहा है यानी कि सी जो है वो अगर आज का सी है वो वो एक साल पुरानी की अफेक्ट है प्रीमियम जो है ये आने वाले अफेक्ट को दिखाता है तो ये जो है इट्स नॉट एक्चुअली अगर हम ये कहते हैं, फिर सी था था कहते हैं कि पुराना सीपीआई होगा तो फिर तो हम ये आने वाले इन्फ्लेशन प्रीमियम है तो मे बी ये जो है इन्वेस्टर्स की जो सेंटीमेंट है अबाउट इन्फ्लेशन उससे सर्वे मेथड से हम निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल हम अपने काम को आसान करने के लिए हम ये इसको मिमिक करते हैं सीपीआई के थ्रू यहां क्लियर है एनी क्वेश्चन आवाज आ रही है ओके okay. तो क्लियर अच्छा तो ये दोनों मिला के हम हम इसको कहते हैं रिस्क रिस्क फ्री रेट जिस जो के नॉमिनल है या बिल का है अब यहां तक जो है कि अब जारी बात है मैंने आपको बताया ना कि वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ट्रेजरी बिल यानी फॉर एग्जांपल सेवन परसेंट पर ट्रेजरी बिल खड़ा हुआ है ट्वेंटी परसेंट पर एक पर्सनल लोन खड़ा हुआ है तो अब ट्रेजरी बिल का सेवन परसेंट है तो उसके अंदर के आर स्टार और आईपी शामिल है अब वो ये अगर ट्रेजरी बिल सेवन से एट होगा तो दैट तो मीनस आर स्टार बढ़ रहा है या आई बढ़ रही है दोनों वजह से जो है ट्रेजरी बिल के रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा एवरीथिंग विल एडजस्ट यानी सब स्पेक्ट्रम का रेट बढ़ जाएगा बिकॉज सबके अंदर ये दो कॉम्बोनेंट शामिल है जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो कि ट्रेजरी बिल में नहीं होते और वो जो जो क्लासेस को डिफरेंट करते हैं वो ये तीन तीन ये ये जो तीन है ये हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से हैं आप लोगों को सिर्फ एक कॉम्पोनेंट के बारे में शायद मालूम हो जिसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम आज हम दो मजीद को डिस्कस करेंगे कि ये भी अफेक्ट करता है बॉन्ड की जो है उसमें क्लास यानी लेवल फॉर्म को तो चले पहले डिफॉल्ट डिस्कस कर लेते हैं चले ये ये बड़ा कॉम्पोनेंट है सबसे बड़ा कॉम्पोनेट होता है जो आप लोगों को मालूम भी होगा जैसे हमने डिस्कस किया था कि डिफॉल्ट का जो आ, रिस्क है वो मेजर किया जाता है कि अगर डिफॉल्ट ज्यादा चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होगी अच्छा डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट ये होता है कि अनेबल टू पे प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट या द कैश फ्लोज तो अगर कैश फ्लो पेमेंट कैपेसिटी कम हो खत्म हो जाती है कंपनी की तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो डिफॉल्ट का जो रिस्क होता है वो प्रीमियम को में इजाफा करता है तो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो है अगर हायर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हायर वुड बी द प्रीमियम जैसे मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो भी दस परसेंट दे रहा है और गवर्नमेंट बॉन्ड है वो भी दस परसेंट दे रहा है तो आप किस पे जाएंगे एवरीबडी विल से कॉर्पोरेट बॉन्ड और अगर मैं सवाल करूँ क्यों जाएंगे दोनों तो बराबर है तो आप ये कहेंगे एक में डिफॉल्ट का चांस है एक में डिफॉल्ट का चांस नहीं है तो जब सब लोग उस कॉर्पोरेट बॉन्ड पर जाएंगे तो प्रीमियम ऑफ दैट बॉन्ड यानी उसकी प्राइस कम होगी गवर्नमेंट बॉन्ड से जिसकी वजह से उसका जो है ना प्रीमियम बढ़ जाएगा यानी उसका रेट रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड इस एक्स्ट्रा प्रीमियम जो इन्वेस्टर Uh, जो रेट जो इन्वेस्टर डिमांड करते हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दैट बॉन्ड इसको कहते हैं डिफॉल्ट प्रीमियम तो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड दस परसेंट पे ट्रेड हो रहा है और गवर्नमेंट बॉन्ड जो आठ परसेंट पे ट्रेड हो रहा है तो वो जो दो परसेंट का जो डिफरेंस होगा उसको हम डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम कहेंगे बिकॉज ये जो है इट इज ड्यू टू द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट ठीक है अब ये प्रीमियम मेजर कैसे किया जाता है ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं सबसे जो क्रेडिबल तरीका है वो रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं दे आर डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज जो कि रेटिंग देती है जैसे ट्रिपल ए हो गई ट्रिपल बी हो गई इस तरह की तो वो रेटिंग जो है वो बेस करती है अबिलिटी टू पे देयर कैश लोज और वो रेटिंग के हिसाब से ये प्रीमियम जो है ये कैलकुलेट किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपल ए का जो है वो प्रीमियम कम होगा एज़ कम्पेयर टू अंग बॉन्ड ठीक है ना यह ट्रिपल बी तो हायर द रेटिंग द लेसर विल बी द द प्रीमियम मोर इट विल बी क्लोजर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये बात क्लियर हो रही है जी जी सर। clear, जी सर सर क्लियर ओके अच्छा फॉर एग्जांपल अब प्रीमियम हाउ टू कैलकुलेट अ प्रीमियम अगर आपके पास एक फिगर है रेटिंग की तो सबसे पहले तो एक तो प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सी, सिंपल सी सा तरीका है कि मार्केट में अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेड हो रहा हो

तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रीमियम ऑफ दैट बॉन्ड हाँ तो अब इसकी इसकी इसका इसका जवाब यह है कि फिर हम अगर कोई बॉन्ड ट्रेड नहीं हो रहा हो जिसका तो उसका प्रीमियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसकी रेटिंग देखेंगे अगर उसकी रेटिंग सपोज डबल ए आ रही है तो हम ये देखेंगे कि वो डबल ए रेटिंग यानी सिमिलर रिस्क रेटिंग का कोई बॉन्ड ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा तो अगर कोई बॉन्ड सिमिलर रेटिंग का ट्रेड हो रहा है एंड एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट तो हम उसका प्रीमियम को इन्फर करेंगे कि इसका प्रीमियम भी यही होगा नंबर वन अच्छा नंबर थ्री कोई ऐसी कंपनी उसकी रेटिंग भी ना हो उसका कैसे प्रीमियम निकालेंगे तो उसका तरीका प्रीमियम का ये होगा कि फिर आप बैक ट्रैक करेंगे रेटिंग को कि व्हाट आर द फैक्टर जो कि रेटिंग को कर रहे होते हैं तो डिफरेंट मेजर्स होते हैं आ, मैं वो किसी दिन बाद में इसका इसका डोमेन नहीं है इस सब्जेक्ट का किसी वक्त बताएंगे तो वो जो रेटिंग के जो मुख्तलिफ फार्मूलाज के थ्रू जो आप निकाल रहे होते हैं तो वो हम जो है कंपनी की बैलेंस शीट उठा के उसमें देखेंगे कि ये इनके वैल्यूज कितनी आ रही हैं और इसके हिसाब से व्हाट वुड बी द हाइपोथेटिकल रेटिंग इसकी होनी चाहिए और वो रेटिंग को कंपेयर करेंगे उसी 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 कंपनी की इक्विवेलेंट रेटिंग के साथ फिर उन कंपनी के रेटिंग को प्रीमियम के साथ कंपेयर करेंगे तो यू कैन हैव आप एक एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम ठीक है क्लियर हुआ कुछ बात समझ में आई सर इसकी पहली बात नहीं समझ आई थी जो आप कह रहे थे कि नॉन ट्रेडएबल बॉन्ड होगा

बट वो जो है आम मार्केट में ट्रेड ना हो यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि बॉन्ड भी है ट्रेड भी है लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेड नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे टी एफ सीज आप उसमें स्टॉक में जाएंगे तो वो उसकी आपकी जो है वीक के अंदर एक ट्रांजेक्शन होती है तो अगर हम वो उसको उसकी जो प्राइस जो एक हफ्ते पहले की थी वो राइट प्राइस नहीं है समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपकी ट्रेडेबिलिटी का इशू आ जाता है या बहुत कम लिक्विडिटी होती है तो उस वक्त जो है इट्स बेटर टू कैलकुलेट थिंग्स थ्रू प्रॉक्सी रादर देन टेकिंग अ वेरी क्रूड क्रूड एक्चुअल फिगर ना वो एक्चुअल नहीं होती तो एक तो ये है कि बहुत सारे चीजें आप ट्रेडेबल नहीं होती uh, ट्रेडेबल होने के बावजूद नहीं होती ठीक है ना एवरीथिंग एल थिंग ऐसा होता है कि आपके बॉन्ड्स तो होते हैं अच्छा वो बॉन्ड ट्रेडेबल भी थियोरेटिकली होते हैं लेकिन वो बॉन्ड कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इशू नहीं होते मे बी वो जो है एक बैंक से कंसोशियम कंशो, बना के बाय किया हुआ होता है तो दे आर होल्डिंग चार पांच बड़े बैंक आपस में होल्ड करते हैं तो होते तो बॉन्ड्स ही हैं वो लेकिन ये कि प्रैक्टिकली वो ट्रेडेबल नहीं हो रहे होते तो ऐसे बॉन्ड्स की जो है फिर हम इसको हम डिफॉल्ट के थ्रू भी हम एक निकाल सकते हैं अगर कोई ट्रेडेबल है और उसकी प्राइस प्रॉपर तरीके से आ रही है डिमांड सप्लाई की वजह से तो वो ज्यादा बेहतर है और उसी को हम फिर एक बेंच बना रहे होते हैं सर जी बोले बोले सर थोड़ी पहले भी सर आपने एक बात बोली थी कि जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है और इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं तो रिस्क रेट जो ये तो आपका

प्राइस कम होती है सर उनकी प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी गवर्नमेंट की सर गवर्नमेंट की कम होगी ज्यादा होगी फिर ज्यादा होगी ज्यादा होगी जब डिमांड तो ज्यादा होती है तो प्राइस ज्यादा होगी तो जब उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो रिटर्न कम होगा या ज्यादा होगा सर प्राइस के कंपैरेटिवली रिटर्न कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा ना तो होगा ये कि जब लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड में जाएंगे तो क्या होगा गवर्नमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी जब वो प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ये हमने ये हमने प्रोपोर्शन देखा था ठीक <coughs> है ठीक है तो इस तरह से ही आप कैलकुलेट करते हैं डी आर पी डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम कोई सवाल है इसमें हम आगे चले नो सर दूसरा दूसरा इंपैक्ट है एम आर पी मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम ये क्या है दिस इज द मेजर अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट कैन कॉज लार्ज चेंज इन प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इवन ट्रेजरी बॉन्ड लेंडर्स चार्ज अ रिस्क रिस्क प्रीमियम टू रिफ्लेक्ट दैट तो ये हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट रिस्क पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बात हुई थी कि द इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है द द चेंज इन रिस्क ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस तो लार्जर मे्योरिटी सिक्योरिटी का ज्यादा रिस्क होता है शॉर्ट मेच्योरिटी सिक्योरिटी का रेट कम होता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम डिमांड करते हैं फॉर एग्जांपल एक रिस्क है यानी एक मैं वही बात करता हूं कि एक दस साल का बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड है और एक दस साल, और एक पांच साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इनका रेट जो है उसमें अगर कोई चीज फर्क होगी तो वो एम की वजह से फर्क होगा क्यों क्योंकि एवरी थिंग एल्स कॉन्ट क्योंकि दोनों बॉन्ड रिस्क फ्री हैं दोनों की अच्छी खास लिक्विडिटी मौजूद होती है तो द ओनली थिंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू तो वो एम होगा तो एम का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो इन्वेस्टर डिमांड करते हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दैट सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द इंटरेस्ट रेट रिस्क इसको एम कहा जाता है तो ये जो है इट इज मैंने पिछली क्लास में बात की थी इट्स अ फंक्शन ऑफ ड्यूरेशन सिक्योरिटी की जितनी ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड होगा ड्यूरेशन रफली इज इक्वल टू द मेच्योरिटी पीरियड लेकिन ड्यूरेशन असल में इक्वल होती है कैश फ्लो की मेच्योरिटी की मेच्योरिटी ऑफ द कैश फ्लो

उसमें जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसमें बार बार क्या हो रहा है कि उसमें बार बार कैश फ्लो जो है, वो हर साल के एंड के ऊपर जो बार बार जो कैश फ्लो का जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से उसका कैश फ्लो जो है बढ़ गया है यानी वो बात ये थी कि वो रीइन्वेस्ट हो रहा है उस सेम रेट पे तो आ...

Yes. हो गया। जो री तो में तो उसकी जो कूपन बॉन्ड की डोरेशन कम होगी एस कम्पेयर टू जीरो पहले मिल रही होती है जिस, जो के आप री कर सकते हैं एट द न्यू रेट जबकि कूपन बॉन्ड के अंदर रिजम्पन ही होती है कि ऑल द कैश्लोज आर ऑटोमेटिकली एट द ओल्ड रेट प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ तो उसमें डिफॉल्ट रिस्ट ज्यादा वो सॉरी मिच्योरिटी रिस्क ज्यादा होगा एमआरपी क्लियर बात समझ में गई आगे चलते हैं जो तीसरा रिस्क जो है वो हम उसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क यहाँ तक बात समझ में आ गई या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो पूछे ओके okay, सर लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है दैट इज अ प्रीमियम चार्ज बाय लेंडर टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट सम सिक्योरिटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैश ऑन शॉर्ट नोटिस एट अ रीजनेबल प्राइस यहाँ पे इसका इसका जो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी एवरीथिंग एल्स अच्छी है लेकिन आपकी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में आप ये देखें बॉन्ड्स जो है वो ट्रेडेबल बहुत कम ट्रेड हो रहे होते हैं लिक्विडिटी नहीं होती अगर आपने कोई ऐसा बॉन्ड बाय किया हुआ है जो कि हर जिसकी हर चीज अच्छी है लेकिन यू वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस तो फिर वो बॉन्ड में रिस्क होता है कि उसको लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं तो जैसे हमारा स्टॉक्स के अंदर हम कंपनीज के अंदर भी हम लिक्विडिटी पोजीशन निकाल रहे होते हैं कैश कन्वर्टेबिलिटी और वो रिस्क होता है इसी तरह जो बॉन्ड में भी होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो लिक्विड नहीं है तो आप उसको इजिली uh, कन्वर्ट नहीं कर सकते तो चार्ज प्रीमियम अगेंस्ट दैट उसको हम कहते हैं रिस्क तो जितनी ज्यादा इट्स अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम जितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा उतनी प्रीमियम उसका कम होता रहेगा ठीक है ना तो स्टॉक्स तो में आप देख सकते हैं कि भाई जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम कम है ठीक है लेकिन अगर लेट सपोज कोई चीज ट्रेड नहीं हो रही स्टॉक्स में तो उसका लिक्विडिटी कैसे निकालेंगे क्या उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है या कम है कोई example, कोई इसको बता सकता है आगे बड़ी? जी सवाल समझा सर आपका सवाल रिपीट कीजिएगा अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जो लिक्विडिटी जो प्रीमियम है वो अगर आ, कैसे कैलकुलेट किया जाए सवाल ये है कि लिक्विडिटी प्रीमियम क्या है कि कितना लिक्विड है कितनी जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अब ये प्रीमियम कैलकुलेट कैसे किया जाए अब सवाल अगर ये आता है कि तो हम ये देखते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है ट्रेड किया ठीक है ना स्टॉक एक्सचेंज में आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन मिलियन शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं डेली तो दैट मीन्स कि इट्स फेयरली लिक्विड तो उसको अगर आपने बाय किया हुआ है तो उसको होल्ड करके सेल जिस वक्त करना चाहेंगे तो आपको बायर मिल जाएंगे लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर साढ़े पाँच सौ छः सौ स्टॉक्स हैं तो उसके अंदर हार्डली जो है सौ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका वॉल्यूम अच्छा होगा बाकी स्टॉक्स ऐसे होंगे कि और अक्सर अच्छा स्टॉक्स तो ऐसे होंगे कि जिसमें जो है हफ्ते में दो दो चार दिन में कोई एक ट्रेड होती है तो ऐसे स्टॉक को अगर आपने रख लिया है तो सेल करने जाएंगे तो आपको वो बायर नहीं मिलेगा तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगा तो एक तो जज करने का तरीका ये है कि वॉल्यूम से आप जज कर लें जरा पे सवाल ये था आगे कि अगर तो आपको वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन मालूम नहीं हो किसी भी स्टॉक की या वो स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा हो लेट सपोज यानी मार्केट फॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा हो इनफॉर्मली ट्रेड हो रहा हो ओटीसी में ट्रेड हो रहा हो तो उसकी वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे कोई तरीका है लिक्विडिटी प्रीमियम निकालने का जी और कोई है किसी सर वॉल्यूम सर, सर वॉल्यूम की अपडेट नहीं हो तो फिर कोई रेफरेंस डाटा नहीं होगा तो सर कैसे निकालेंगे या तो कोई हिस्टोरिकल डाटा कैसे निकालेंगे जी कोई मतलब है किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है सोहेल हसन ओएस वगैरह कोई अगर एनीबॉडी अच्छा मैं चलिए बताता हूं सर कर?

तो ये दोनों कीमतों के अंदर जो है फर्क कितना है तो अगर इसके अंदर फर्क ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि वहां पे जो है शेयर इन लिक्विड है और अगर फर्क कम होगा तो बहुत लिक्विड है ये बात समझ में आई क्यों क्यों वजह क्या है इसकी इसकी वजह यह है कि जिस चीज जो चीज बिकने का आगे जिसका इम्कान कम होते हैं तो डीलर जो है कभी भी उसको बहुत हाई प्राइस पे नहीं खरीदेगा डीलर जो है क्योंकि उसका अपना पैसा ब्लॉक हो जाता है ना अगर लेट सपोज डीलर ने कोई चीज़ खरीद ली है आगे वो बेच नहीं सके तो क्या होगा उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो वो हमेशा उसकी लो प्राइस ऑफर करेगा ठीक है तो इसमें क्या होगा अच्छा अगर कोई ख़रीदने जाएगा क्योंकि वो चीज़ होगी नहीं तो उस, आ, उसको जब बेचने बेचेगा तो बहुत हाई प्राइस से बेचेगा तो अगर तो क्या होगा कि हो जो बाइंग प्राइस है वो बहुत लो हो जाएगी सेलिंग प्राइस हाई हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा स्प्रेड बढ़ जाएगा स्प्रेड मीन्स बाइंग डिफरेंस बिड एंड आस्क का जो जो फ़र्क है वो बढ़ जाएगा तो जहाँ वॉल्यूम ज्यादा होता है जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर अमूआन ये स्प्रेड कम होता है और जहाँ लिक्विडिटी कम होती है वहाँ अमूमन स्प्रेड ज्यादा होता है ये बात समझ में आई ये हर जगह हर एसेट में ना फाइनेंशियल एसेट के रियल एसेट में भी ऐसा ही है तो आप आप अगर फॉर एग्जांपल आपको एंटीक चीज़ बेचने जाते हैं तो वो तो दो ही लोग खरीदेंगे ना या तो कबाडी खरीदेगा या शौकीन खरीदेगा तो आप कबाडी जो कीमत दे रहा है और शौकीन उसके जो डिफरेंस निकाल लें तो काफ़ी ज़्यादा होगा अगर कोई चीज़ चल रही होगी मार्केट के अंदर तो उसमें डिफरेंस कम होगा इसकी इसकी मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको अगर आप इसको देखना है तो आप फॉरेक्स के रेट देखिएगा यानी जो अखबार के अंदर रेट्स आते हैं ना करेंसीज के इसमें देखा करें कि बल्कि आप असाइनमेंट ले लेंगे ले कि किस तरह मतलब आप ये निकालें कि कौन सी करेंसी का स्प्रेड कम या ज्यादा इससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि उसकी उसकी वॉल्यूम कितना है ट्रेड फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर की प्राइस बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस लेंगे तो वो कम नज़र आएगा परसेंटेज फॉर्म में एज कम्पेयर टू पाउंड की या यूरो की या येन का या कोई और करेंसी कर, तो जो भी करेंसी ट्रेड हो रही है मार्केट में लोकल मार्केट में उसमें अगर आप उसका स्प्रेड देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा उसकी वॉल्यूम क्या है डॉलर जो है ना इंटर बैंक में अच्छा फिर वो के आ, आम इंटर बैंक में जो है डॉलर जो है एक या दो पैसे के फर्क से ट्रेड हो रहा होता है तो 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 ये स्प्रेड कहलाता है तो ये स्प्रेड जो है वूमन जहाँ पे वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वहाँ बेड एंड आस्क स्प्रेड से यू कैन जज अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ये बात समझ में आई कि ये दोबारा बताऊं नहीं आपने शायद एक एग्जांपल दी थी ना लग्जरी uh, मतलब जर्नल एसेट्स में ही के लग्जरी कमोडिटीज जो होती है जैसे कोई लग्जरी कार है उसका ट्रेडिंग हाँ। इतनी ज्यादा नहीं होती है लेकिन बिड एंड ऑफर जो है वो बहुत ज़्यादा हायर मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था की अगर आपके पास कोई लग्जरी आइटम है या कोई एंटीक आइटम है तो जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो या तो देर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ चांस के वो उसके बायर भी मौजूद होंगे मार्केट के अंदर Uh, लेकिन वो बायर जो है वो देर इज अ वेरी लेस चांस कि वो आप तक कॉन्टेक्ट कर पाए ठीक है ना तो क्या होता है नॉर्मली जो सेल डायरेक्ट बायर को तो नहीं हो रहा होता थ्रू डीलर कर रहा होता है अच्छा जब डीलर जो है अगर आपसे कोई चीज बाय करेगा और उसका अगर बायर मौजूद नहीं है या उसकी लिक्विडिटी कम है तो क्या होगा कि वो जो है ना आपसे सस्ता बाय करेगा ताकि उसके बाद एक क्वेश्चन हो कि अगर मेरा पैसा थोड़ा सा लंबा सा फंस जाए तो उसके अगेंस्ट जो है ना मेरे पास एक क्वेश्चन हो तो वो जो है वो आपसे सस्ता बाय करेगा और जो कोई बेचने वाला आएगा तो उसको महंगा बेचेगा और इसकी वजह भी ये होगी कि बेचने वाले को भी नहीं पता उसको एक चीज़ चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप वो चीज़ बेच रहे हैं जिसका बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसकी वजह से स्प्रेड बढ़ जाता है ठीक है ना इस पॉइंट से मैंने कहा था कि वो जो एंटीक होगी दैट वुड वु मोर स्प्रेड इन अ डीलर्स मार्केट एज कम्पेयर टू अदर थिंग हाँ अगर वो एंटीक की डिमांड बहुत है तो जाहिर बात उसका स्प्रेड फिर दो वो उसकी फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर वो उसमें क्वालिफाई नहीं करेगा ठीक है ना तो लिक्विडिटी तो ये आप जैसे फॉरेक्स रेट रेट से मालूम कर सकते हैं जो डिफरेंस बिटवीन आप देखें डॉलर का रेट, का स्प्रेड कम होता है बाकी का ज्यादा होता है इससे भी आपको अंदाजा हो जाता है तो या ये कि अगर आप आप स्टॉक्स में देखें जो टॉप ट्वेंटी वॉल्यूम कंपनीज हैं उसमें आप वॉल्यूम जहां ज्यादा है वहां पे आप देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग की जो प्राइस जहाँ फ्लक्चुएट हो रही होती है वो एक एक दो दो पैसा जो है ना कभी कभी हिट हो रहा होता है बड़ी बड़ तेजी से मैच हो रही होती है स्प्रेड बड़ा कम होता है जबकि आप ये देखें जहाँ वॉल्यूम कम होता है तो वहाँ पे कोई किसी ने अगर बिड लगाई होती है कुछ और लगाई होती है बहुत कम लगाई होती है कोई ऑफर लगाई होती है बहुत ज्यादा लगाई भी होती है तो वहां पे स्प्रेड ज्यादा होता है तो ये आप वैसे भी आप देख सकते हैं तो ये जो तीन आइटम्स हैं ये लेवल फॉर्म में किसी भी सिक्योरिटी को चेंज करते हैं सबसे बड़ा आइटम डिफॉल्ट रिस्क होता है लेकिन इसके अलावा रिस्क भी होता है यानी एमआरपी भी होता है इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क भी होता है ये तीन आइटम जो है वो हर इसकी वजह से दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट है यानी दे दे आर एट लेवल फॉर्म बट मूव हैदर वो किस वजह से होता है ये दो आइटम्स की वजह से मूव होता है ठीक है ना तो आगे चलते हैं फिर हमने एक ये डिस्कस की थी कि हाउ टू कैलकुलेट ये जो टेन तो ये किया दो कि सौ में डिवाइड कर दिया था the, uh, the तो के निकाल लिया था प्रिंसिपल जो आपको मिलना था फ्यूचर में पार वैल्यू उसका पी निकाल लिया था उसको एड किया था तो वो बॉन्ड की वैल्यू हो गई थी तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर से भी जो है आप कर सकते हैं इसमें जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर अगर ये ये इन्होंने किया हुआ है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट इस टेन परसेंट और पी एम टी हंड्रेड है पी एम टी हंड्रेड अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में एन टेन डालें और इंटरेस्ट रेट जो है वो टेन डालें और पी एम टी हंड्रेड डालें और पार वैल्यू थाउजेंड डालें तो उसकी प्राइस भी थाउजेंड ही निकलेगी माइनस थाउजेंड मीनस के एक्चुअली ये थाउजेंड है यानी कैलकुलेटर में कभी कभी आपको माइनस अगर आप आपकी बाकी ये इनपुट्स प्लस होंगी तो ये हमेशा माइनस होगी या ये प्लस होगी तो ये माइनस होगी वजह यह है कि कैलकुलेटर में माइनस मीज आउटपुट या इनपुट एक साइड पे तो uh, ये uh, तो यह है कि तो उसकी अगर एवरी थिंग हंड्रेड इज टेन परसेंट ऑफ थाउजेंड तो दैट मीनस कूपन रेट इज टेन परसेंट तो अगर कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट बराबर होगा तो उसकी प्राइस जो है वो फेस वैल्यू के बराबर होगी ये ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट uh, रेट्स बढ़ा दें तेरह परसेंट कर दें तो प्राइस कम मौके एट थर्टी सेवन हो जाएगी If interest Interest rate rate, rate is is more than the coupon rate, price is less than the the coupon price less face value. प्राइस price 1200 10 हो जाएगी ठीक है तो अब आप ये देखें कि दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि जैसे जैसे मेचोरिटी कम होती है तो डिफरेंशियल ऑफ प्राइस यानी हमने ये देखा था कि हमने जो वो एक टेबल बनाया था कि फाइव टेन और फिफ्टीन तीन तरह के बॉन्ड्स थे और तीन तरह के बॉन्ड की हमने ट्रेडिंग की थी तो हमने देखा था कि वो उसके जो वेरिएशन है लोअर और हायर वो मेच्योरिटी के हिसाब से होता है यानी कि जितनी मेचोरिटी ज्यादा होती है यू हैव मोर वेरिएशन इन इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद अ वन यूनिट चेंज इंटरेस्ट रेट और जैसे जैसे मेच्योरिटी कम होती है उनका वेरिएशन कम होता है तो ये होगा कि जो मेच्योरिटी कम होती रहेगी तो डिस्काउंट का बॉन्ड जो है वो टू पार मूव करेगा पार बीन्स इज द ब्लैक लाइन और मेच्योरिटी ज्यादा होती है तो वो रेड लाइन ब्लैक लाइन की तरफ मूव करेगी तो एट द पॉइंट ऐसा आएगा कि वेन द मेचोरिटी इज मोर लेस इक्वल तो वहां पे आपकी प्राइस जो है वो थाउजेंड की इक्वल हो जाएगी ठीक है क्लियर है तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस तो बॉन्ड विल कन्वर्ज टूवर्ड्स पार व्हेन द टाइम पीरियड श्रिंक्स द मेजॉरिटी कम होती रहती कोई सवाल इसमें आगे चलें तो ये सारी चीजें अच्छा एक चीज़ ये कि इसको प्रैक्टिकली देख लिया देख सकते हैं कि हमने बात की थी कि करंट यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड जो हमने ये बात की थी कि बॉन्ड के अंदर uh, एक कैश फ्लो का कॉम्पोनेंट होता है और एक कैपिटल uh, गेन का कॉम्पोनेंट होता है तो हाउ टू कैलकुलेट द कॉम्पोनेंट ऑफ करंट यील्ड वो ये होता है कि करंट यील्ड इज इक्वल्स टू कूपन पेमेंट डिवाइड बाय द प्राइस तो अगर जैसे कूपन पेमेंट हंड्रेड है और प्राइस आपकी बारह चल रही है तो वह आपको मालूम हो जाएगा कि कैश फ्लो यील्ड कितनी है और कैपिटल गेन यील्ड क्या है चेंज इन प्राइस यानी पी वन माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉटनिंग प्राइस बाय द बिगिनिंग प्राइस तो जो टोटल इंटरेस्ट रेट होगा वो करंट यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड को जब मिलाएंगे तो वो टोटल बनेगा ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट का फर्क ये है कि कूपन रेट इज आप अप्रोक्स कर लेते हैं करंट यील्ड कूपन रेट में तो डिवाइड कर रहे होते हैं पार वैल्यू से करंट यील्ड में आप प्राइस से कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो कैश फ्लो यील्ड जो है वो ये होगी कैपिटल गेन ये होगी दोनों मिलाएंगे तो ये इंटरेस्ट ये बनेगा ठीक है ना क्लियर है इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अगर 10 साल का बॉन्ड है 9 परसेंट कूपन नाइन परसेंट इंटरेस्ट रेट है और वो 887 में सेल हो रहा है और उसकी फेस वैल्यू थाउजेंड है तो करंट यील्ड कैसे निकलेगी uh, uh, इसके आप पहले वो पी uh, टी निकाल लें वो आपकी नाइनटी बन रही है कैसे बन रही है नाइन परसेंट एनुअल कूपन रेट बॉन्ड है तो दैट मीन्स का आपका कूपन रेट जो है वो नाइन परसेंट है तो नाइन परसेंट जो है मीन ऑफ थाउजेंड रुपीज़ नाइन्टी तो नाइन्टी का कूपन आपको मिल रहा है डिवाइड बाई एट एटी सेवन है तो इसकी बन रही है टोटल रिटर्न ऑफ करंट यील्ड इज़ टेन पॉइंट वन फाइव ठीक है कैपिटल गेन निकाल लें कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पी वन निकालना पड़ेगा तो पी पी जो आपका पी नॉट कैसे निकालेंगे अभी इसकी प्राइस आ रही है एट एटी सेवन ये आज की प्राइस है प्राइस एट द नेक्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे पी वन क्या होनी चाहिए क्या करेंगे इसके लिए एनीबडी फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे हाँ यानी इसमें हम ये करेंगे कि n जो है वो दस से नौ कर देंगे बाकी एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट जो भी इसका इंटरेस्टेड होगा वो रखेंगे तो उसकी प्राइस निकल जाएगी तो तो अगर तो P1 आ जाएगा तो P1 वन P0 पी नॉट करेंगे तो आपका कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी तो ये इन्होंने कैपिटल गेन निकाला है कैपिटल गेन यील्ड इज वाइट जो कैपिटल गेन यील्ड आई है वो और जो करंट जो तो जो डिफरेंस कैपिटल गेन यील्ड का यानी वाई टी एम इज द आज आज का रेट है ठीक है इस ये दो तरीके से निकल सकती है यील्ड एक तो इन्होंने जैसे किया है वो ये वाई टी एम लिया है यानी माइनस द करंट यील्ड ये करंट यील्ड आ रही थी टेन पॉइंट वन फाइव परसेंट यहाँ से आ रही थी करंट यील्ड और वाई टी एम आपका जो इसका इसका आ रहा था टेन पॉइंट नाइन वाइन परसेंट तो यानी उन्होंने कहा कि वाई टी एम क्योंकि टोटल है इसमें से करंट यील्ड आप निकाल लें तो कैपिटल गेन बच जाएगा ये भी सही है लेकिन अगर आपके पास वाई टी एम वैसे भी निकाल सकते हैं कैपिटल गेन यील्ड अगर आपके दोनों प्राइस पी वन माइनस पी नॉट डिवाइड करेंगे वो डायरेक्टली भी सेवन पॉइंट पॉइंट सेवन सिक्स निकलेगा तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो है आपका ये जो इक्वेजन है ये होल्ड करती है ठीक है ना एनी क्वेश्चन चलो तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात की है ये भी हमने डिस्कस कर दिया देन वी डिस्कस अबाउट री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये हमने बात की थी कि रीइन्वेस्टमेंट रेट रिस्क क्या होता है आ, कोई बताएगा व्हाट इज रीइन्वेस्टमेंट रेट रिस्क एनीबडी मैं बताता था कि सर इन्वेस्टमेंट आपने जैसे बताया था कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं और एक टेन इयर्स की मैच्योरिटी बॉन्ड्स होते है, तो हैं जो ट्रेजरी बिल्स के ऊपर आप हर तीन अगर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के ऊपर कि इन्वेस्टर को 6 महीने के बाद दोबारा इन्वेस्ट करना है यानी कि मेरी जो

जब री इन्वेस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके एग्जांपल पिछली क्लास में दी थी कि अगर आपका दस साल का बॉन्ड है आपको दस साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि दस साल का आप जीरो कोपाउन बॉन्ड खरीद लें ठीक है अगर दस साल का जीरो कोपाउन बॉन्ड खरीदेंगे तो उसमें देर इज नो नीड टू री इनवेस्ट एनीथिंग ना इज द प्रिंसिपल नॉर द कैश लोस तो जब आप कोई री इन्वेस्ट नहीं होगा तो वो लेकिन उसमें क्या होगा देर इज हंड्रेड इंटरेस्ट रेट रिस्क वो इंटरेस्ट रेट रेट्स को क्योंकि उसमें चेंज इन फ्लक्चुएशन जो है ना अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वन या दो परसेंट कम या ज्यादा होता है तो उसकी जो वेरिय प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगी कैपिटल गेन और लॉस जो आपको होगा वो बहुत बड़ा होगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट रेट ज्यादा है लेकिन अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दस साल में बजाय इसके दस साल का जीरो कूपन खरीदने के आपने एक एक साल का जीरो कूपान खरीद लिया अगर आपने एक साल का खरीदा तो एक साल के बाद क्या हो रहा है होना चाहिए क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मोराइजन दस साल का है और आपकी मच्योरिटी एक साल की है तो दैट मीन यू नीड टू री तो देर इज नो गारंटी के आपने अगर दस परसेंट पे पहला साल इन्वेस्ट किया है तो देर इज नो गारंटी गेटिंग द सेम टेन परसेंट द नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर तो अब जितना शॉर्ट टर्म बॉन्ड होगा उतना ही री इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि अगर आपके पास इवेस्टमेंट रैजन दस साल का है और बॉन्ड शॉर्ट टर्म है तो यू नीड टू री इन्वेस्ट टेन टाइम्स तो देर इज द रिस्क ऑफ टेन टाइम्स यानी दस दस पॉइंट ज्यादा रिस्क होगा एज कम्पेयर टू कि आपके री इवेस्टमेंट एक दफा हो रही है तो जितनी ज्यादा चांसेस ऑफ री इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा ठीक है री इन्स्टमेंट एड रिस्क इज इजर्न दट इंटरेस्टेड क्लियर ये बात क्लियर क्लियर सर ठीक है तो नथिंग इज रिस्क लेस ये हमारी कंक्लूजन निकली थी पिछली क्लासेस के अंदर भी के, uh, जो है कोई चीज रिस्क लेस नहीं है अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट लो होता है री हाई होता है एंड वाइस फॉर सफ और टर्म बॉन्ड ठीक है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो जो आपके अगर अगर आपका बॉन्ड जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मली कन्वेंशन ये है कि बॉन्ड आर द सेमी एनुअल बॉन्ड्स सेमी एनुअल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि साल में दो दफा इंटरेस्ट मिल रहा होता है एनुअल बॉन्ड रेयर होते हैं अक्सर अगर अगर आपके पास सेमी एनुअल है तो हाउ डू यू कैलकुलेट द सेमी एनुअल बॉन्ड हम दो एडजस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट जो है जैसे आपका जो वाई है अगर वो आठ परसेंट था तो एट डिड टू कर देंगे आप वो बन जाएगा बिकॉज कैश फ्लो ये जो कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि इसकी कन्वेंशन ये है कि दे दे ऑलवेज रिप्रेजेंट इन एनुअल फॉर्म तो अगर हम कहते हैं दस परसेंट कूपॉन रेट है तो उसका मतलब दस परसेंट का रिटर्न है वो उस पीरियड का रिटर्न नहीं है तो अगर उस एक एनुअल में दो पीरियड होंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको कूपन रेट को डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा इसी तरह से इंटरेस्ट रेट को भी डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा तो ये दो एडजस्टमेंट्स अगर आप कर लेते हैं और पीरियड को मल्टीप्लाई बाय टू करना होगा तो यहाँ पे तीन एडजस्टमेंट्स हैं एन टू एन कर दिया यानी कि अगर दस साल का बॉन्ड है अगर सेमी एनुअल पेमेंट है तो पीरियड जो है वो ट्वेंटी हो जाएंगे ट्वेंटी पीरियड हो जाएंगे क्योंकि दस साल मल्टीप्लाई बाय टू के डी जो है अगर दस परसेंट है तो वो पांच परसेंट हो जाएगा प्राइस पी भी जो है वो वही रहेगी पेमेंट अगर सौ रुपए आ रही है अगर टेन परसेंट है तो वो पचास रुपए मिलेगी फर्स्ट और पचास तो पी एम टी वु फिफ्टी तो ये एडजस्टमेंट करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट द एनुअल रेट बॉन्ड ठीक है वुड यू बी प्रेफेड टू बाय टेन ईयर टेन परसेंट और टेन परसेंट सेवी एनुअल कूपन कौन सा आप बाय करेंगे टेन परसेंट टेन ईयर टेन परसेंट एनुअल कूपन या सेमी एनुअल एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट तो वो ये, वो हमने हमने पिछले कोर्स हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव एनुअल रेट के हिसाब से तो टेन एनुअल बॉन्ड यहाँ पे क्लियर हुई बात जी सर यस सर ठीक है ये वही है जो हमने पिछली क्लास उसमें पढ़ा था ना टाइम वैल्यू मनी में, में जिसमें हमने डिस्कस किया था कि

वो वो ये निकलेगी तो तो थोड़ा सा की की जो होगी होगी एक की प्राइस के साथ तो की की तो उसमें हमने एडजस्टमेंट बताई थी कि कॉल प्राइस की एडजस्टमेंट करेंगे और कॉल प्री उसकी टाइम पीरियड की तो अगर ये कॉल हो रहा है इन फोर इयर्स तो ये तो खैर उसकी वो बात है

तो so, एक प्रीमियम होता है लॉन्ग टर्म के अंदर IP और MRP भी होता है लॉन्ग टर्म ट्रेजरी के अंदर शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट के अंदर आईपी तो होता है एमआरपी नहीं होगा लेकिन डीआरपी और एलपी भी होगा और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट के अंदर वो हो तीन होंगे यानी तीन हो तो इस वजह से जो है ना शॉर्ट टर्म का सबसे कम होगा और फिर लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट का सबसे ज्यादा रेट होगा क्लियर है ये बात समझ में आ रही है एनी क्वेश्चन कोई सवाल सर ये जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि जब हिस्टोरिकली ज्यादा सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर दें टेन ईयर्स के लिए तो हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क तो जीरो हो जाएगा नहीं अगर तो इंटरेस्ट रेट रेस्ट तो ज्यादा हो जाएगा ना देखें सवाल ये है कि रीन आपकी बात सही है कि आपने जो है दस साल के लिए रीन इन्वेस्ट कर दिया तो री इन्वेस्टमेंट रेट जीरो हो गया लेकिन आपकी अगर कल को रेट चेंज हो जाता है वो तो आज का

एक टॉपिक है वो जो कहलाता है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है आ, ये रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म रेट और लॉन्ग टर्म रेट इसको हम यील्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं यील्ड कर्व जो है वो क्या होता है वो ये आप समझेंगे इस, आप ये देखें यहाँ पे अगर आप एक साइड पे यानी एक्स एक्सेस पे आप एन रख लें मेचोरिटी और वाई एक्सेस पे इंटरेस्ट रेट रख लें और सेम रिस्क प्रोफाइल के सारे रेट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड की क्लास के अंदर सारे गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसको प्लॉट करें जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म बॉन्ड को आपने यहां, जैसे ट्रेजरी बिल को आपने यहाँ प्लॉट कर दिया फिर थोड़ा सा लंबा बॉन्ड को यहां कर दिया यहाँ कर दिया तो आप ये देखेंगे कि कर्व बन रहा होगा अपवर्ड स्लोपिंग टाइप ऑफ कर्व इसको कहते हैं यील्ड कर्व यह अपवर्ड जो स्लोप आ रहा होता है दिस इज ड्यू टू एम आर पी मेचोरिटी रिस्क प्रीमियम क्योंकि आपको पता है लार्जर बॉन्ड कैरी मोर रिस्क एज कम्पेयर टू शॉर्टर टर्म बॉन्ड तो यील्ड कर्व है ये आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड रियल यील्ड कर्व होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा पॉजिटिव एमआरपी ठीक है ना यील्ड कप बहुत मजीद चीज़ें बताता है यानी कि यील्ड जो है ये इनफिशेंसीज इन द मार्केट बता रहा होता है ये बहुत सारी चीज़ें बता रही है लेकिन ये अभी इसका टॉपिक नहीं है uh, जैसे पाकिस्तान का यील्ड कर्व बहुत मोरलेस फ्लैट है दैट मींस के पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डजंट हैव दैट मेजोरिटी प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं है इस कंपेयर टू किसी और जगह का यील्ड कर्व तो इसकी वजह क्या है इसमें डिमांड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर ये बहुत सारी चीजें यील्ड कर्व पे डिपेंड करती है और ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द यील्ड कर्व यील्ड कर्व पॉजिटिव जाना उस कंट्री के लिए अच्छा होता है अगर नेगेटिव जा रहा हो तो उस कंट्री के लिए बुरा होता है क्या सही है ऐसा पढ़ा था मैंने देखें जीड कव अगर नेगेटिव जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है देखें अगर फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कव है जिसके दो तो एक नॉर्मल है एक इनवर्टेड है इनवर्टेड का मतलब ये है कि आपके लॉन्ग टर्म रेट्स जो हैं वो कम हैं और शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा है यही है ना नेगेटिव का मतलब अच्छा इसका मतलब क्या है कि इट इज यानी इन्वेस्टर जो है बिकॉज एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर या कोई और चीज कह लेंगे तो वो तो सब में है सो so, uh, इसमें दो तीन दो तीन रीजन हो सकते हैं कि एक तो ये होता है कि फ्यूचर की इन्फ्लेशन जो है ना वो लोग नीचे जाता हुआ देख रहे हैं यानी कि फ्यूचर के अंदर कोई थर्टी इयर्स का या टेन इयर्स के अंदर अगर आपका यील्ड कॉफ़ नीचे जा रहा है तो दैट मीन्स कि आज की इन्फ्लेशन तो ज़्यादा है लेकिन आने वाली फ्यूचर की इन्फ्लेशन जो वो कम हो सकती है जिसकी वजह से आपका यील्ड कफ कम हो जाए तो अमूमन जो है फ्यूचर की जो इन्फ्लेशन है वो लिंक करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर फ्यूचर में रिसेशन आ रहा होता है तो आपका यील्ड कफ टूवर्ड्स फ्लैट मूव कर जाता है दैट इज़ वन लॉजिकल रीज़न और पाकिस्तान जैसे केस के अंदर ये रीज़न ये नहीं है पाकिस्तान के केस के अंदर जो है ना वो रीज़न डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी है कि लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी कम है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाती है यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की प्राइस उसकी अपनी जो प्राइस होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके यील्ड का फ्लैट हो जाता है हायर द प्राइस लोअर द रिटर्न तो अगर आपकी सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी आपका ट्रेजरी बिल भी है दूसरी चीजें भी हैं लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे जो सिक्योरिटी है इसी वजह से हम ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जब ज्यादा होंगी तो हमारे कर्व जरा नॉर्मलाइज हो जाएगा क्लियर है तो वो फर्क है उसकी वजह रीजन पर डिपेंड करता है यस सर ठीक है

तो वो बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसके अंदर से जिसकी वजह से यील्ड कर्व की मूवमेंट डिपेंड करेगी जो जिसका मेजोरिटी जो पार्ट है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम कहलाता है अगर कल को इन्फ्लेशन यू एक्सपेक्ट फॉरवर्ड के इन्फ्लेशन आज के नहीं लेकिन कल के इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएंगे तो आज के यील्ड कर्व के अंदर कमी आएगी बिकॉज इट्स एन एवरेज वो जो इन्फ्लेशन एवरेज इन्फ्लेशन आज के न, उसकी यील्ड कर्व में जाएगा ये क्लियर होगी बात <coughs> कोई सवाल है तो पूछ ले गुड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेजरीट का तो ये तो मैंने बताया इसके अंदर वह, अगर हम सारे यूनिवर्स ऑफ बॉन्ड्स को एक ही नो ही एवरीथिंग एल्स नहीं हुआ तो so, इसलिए हमें कॉर्पोरेट के लिए जो है ना हमें कॉर्पोरेट का हील कप अलग बना सकते हैं ट्रेजरी का अलग बनाना होगा ही सेम रिस्क प्रोफाइल की सिक्योरिटी का बनता है तो अगर कॉर्पोरेट का बनाएंगे तो क्या होगा कॉर्पोरेट का ही है वो थोड़ा सा ऊपर होगा ये जो डिफरेंस होगा जैसे अगर ट्रेजरी यील्ड कर्व ये आ जा रहा है तो कॉर्पोरेट का ट्रिपल ए होगा और उसकी रेटिंग जैसे कम होतीएगी यील्ड का बढ़ता रहेगा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेजरी एंड द यील्ड कर्व जो है ये ये जो है ये इट इज ड्यू टू द द डिफॉल्ट रिस्क ठीक है क्लियर है क्वेश्चंस गुड ओह सर फिर रिपीट कीजिएगा Uh, मैंने ये कहा कि जो ट्रेजरी का जो यील्ड कर्व है वो और कॉर्पोरेट का अगर हम ड्रॉ करें तो इस इट इट इज विल बी अ पैरेलल लाइन यानी कि पैरेलल होगी यानी कॉर्पोरेट का यील्ड कर्व जो ऊपर होगा ट्रेजरी से और ये ऊपर होने का वजह क्या होगी ये जो डिफरेंस होगा वो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम होगा यानी कि जितना ज्यादा चांस ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है उतना ही ये यील्ड कर्व में जो है उसका इसकी यील्ड कर्व जाती रहती है उतना ही एनी एडिशनल रिस्क डिमांड करेंगे इन्वेस्टर्स क्लियर कोई सवाल चले। आगे चले। तो कॉर्पोरेट अगर, अगर का प्राइस कम हो जाएगी ना अगर मैं कहूँ की आप सिक्स परसेंट ट्रेजरी भी दे रही है सिक्स परसेंट कॉर्पोरेट भी दे रही है तो आप क्या खरीदेंगे कॉर्पोरेट खरीदेंगे ट्रेजरी खरीदेंगे जब ट्रेजरी खरीदेंगे तो क्या होगा ट्रेजरी की प्राइस बढ़ जाएगी कॉर्पोरेट की कम हो जाएगी जब कॉर्पोरेट की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा तो मे बी जैसे अगर यहाँ पे सिक्स परसेंट ट्रेजरी दे रही है तो कॉर्पोरेट में भी एट परसेंट दे रहा होगा और उसकी वजह क्या होगी कि हो ट्रेजरी की प्राइस बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी कॉर्पोरेट की कम होगी ये बात क्लियर हुई ठीक है सर सही चले लेट्स मूव ऑन थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर हाँ सर। जी बताए सॉरी सर सर एक दफा टर्म स्ट्रक्चर वाली 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 स्लाइड दोबारा गो थ्रू करवा सकते हैं

तो so, uh, अगर देखें यील्ड कर्व क्या होता है टर्म स्ट्रक्चर का मतलब पहले तो ये समझ लेंगे व्हाट इज टर्म स्ट्रक्चर टर्म स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है टर्म मींस मेच्योरिटी तो टर्म स्ट्रक्चर के इंटरेस्ट रेट की मेच्योरिटी वाइज स्ट्रक्चर क्या होगा और टर्म स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करता है यील्ड कर्व के साथ तो यील्ड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्लियर है यहाँ तक क्लियर हुई अच्छा अब यील्ड कफ कैसे रिप्रेजेंट करेगा क्या यील्ड मींस कि अगर आप सिक्योरिटीज़ को एक ही रिस्क प्रोफाइल की सिक्योरिटीज को सॉर्ट आउट करें फ्रॉम मेचोरिटी लोअर टू हायर मेचोरिटी तो आप ये देखेंगे कि लोअर मेच्योरिटी के रेट कुछ और होंगे हायर के कुछ और होंगे उसको अगर आप प्लॉट कर देंगे जैसे टू ईयर से थर्टी ईयर या जो भी जितनी मिच्योरिटी है जीरो टू थर्टी इन तमाम रेट्स को अगर आपने प्लॉट कर दिया तो देट देट विल हैव यानी रफली एक लाइन बनेगी अब वो लाइन जो है वो पॉजिटिवली स्लोप भी हो सकती है नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है उसका स्लोप की कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है ना इस लाइन को कहते हैं यील्ड कर्व लाइन नहीं है कर्व है बेसिकली क्योंकि इसकी लाइन का स्लोप चेंज हो रहा होता है तो अगर तो वो लाइन पॉजिटिवली स्लोप होगी तो उसको कहेंगे नॉर्मल यील्ड कर्व अगर तो वो नेगेटिवली स्लोप होगी उसको कहेंगे इन्वर्टेड यील्ड कर्व अगर वो ऊपर जाके नीचे आ रही है तो इट इज कॉल्ड हम यील्ड कर्व आपके शॉर्ट टर्म में रेट कम है मीडियम टर्म में ज्यादा होगा और लॉन्ग टर्म में दोबारा कम होगा तो ये लाइन जो है ये इसको यील्ड कर्व कहा जाता है ठीक है ना ये लाइन लाइन क्या होनी चाहिए उसके कंपोनेंट क्या है अच्छा वो कम ज्यादा क्यों होगी नॉर्मल क्यों कही जाएगी नॉर्मल इसलिए जाएगी कि एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट तो अगर इन्फ्लेशन का ये दूसरी चीजें कांस्टेंट होंगी तो क्या होगा कि आपका जो मेच्योरिटी प्रीमियम है वो तो बढ़ता रहता है इसमें तो कोई दो राय है नहीं तो हायर मेच्योरिटी सिक्योरिटी वुड है मोर एमआरपी एज कंपेयर टू लोअर मेच्योरिटी तो दैट वुड एड द यील्ड कर्व तो अगर मेचोरिटी पीरियम किसी का बढ़ता रहेगा तो उसमें यील्ड कर्व के अंदर पॉजिटिवली स्लोप होगा स्लोप इस इस पॉजिटिव स्लोप को कम या ज़्यादा कौन सी चीज़ कर रही है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम कर रही है तो अगर आपके किसी इकोनमी के अंदर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर के अंदर कम हो जाती हैं यानी रिसेशन आ जाती है तो क्या होगा कि वो प्रीमियम कम हो जाएगा जिसकी वजह से जो है ना मे बी ईड कप नेगेटिवली स्लोप्ट हो जाए यानी कि आज तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है लेकिन कल इन्फ्लेशन कम है तो अगर कल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा तो उसके उसको नेगेटिव कहते हैं ऐसा अब नॉर्मल होता है यानी रिसेशन के अंदर इसलिए इसको नॉर्मल नॉर्मल स्लो जो होगा वो पॉजिटिवली स्लोप कहलाएगा ये क्लियर है बात जी बिल्कुल ठीक थैंक यू और आखिरी चीज जो है वो कॉर्पोरेट uh, और ट्रेजरी uh, का स्प्रेड है तो यानी दैट मीन्स के वो जितना ज्यादा uh, रिस्क जो है जितना ज्यादा क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होगा उतना ही जो है ट्रे, 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 ट्रेजरी और कॉर्पोरेट का स्प्रेड ज्यादा होगा ठीक है कर्व सिर्फ एक एक प्रोजेक्शन के लिए या इसका कोई फर्दर इस्तेमाल भी है हमारे मतलब I mean, हाउ नहीं, 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 नहीं ये प्रोजेक्शंस के लिए नहीं है ये स्ट्रक्चर के लिए टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर क्या इंटरेस्ट रेट का फॉर एग्जांपल अगर कर्व आपका जो है ये आ रहा है अपवर्ड स्लोपिंग है तो हम ये कहेंगे इट्स अ नॉर्मल स्ट्रक्चर लेकिन अगर ये यील्ड कर्व का स्लोप कम हो जाता है तो हम ये कहेंगे इट्स एन स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वो जो टर्म स्ट्रक्चर यानी कि आप इस यील्ड कर्व से आप पूरे मिच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट के जो आपके जो जो आपके सिक्योरिटीज होते हैं डेट मार्केट का उसका आप स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं कि क्या मार्केट इफिशियंट है या नहीं है फॉर एग्जाम्प एग्जाम्पल दे देता हूँ ये मेच्योर ये जो फ्लैटनिंग ऑफ रियल कर्व जो है ये नॉर्मली जो है ये या तो इन्फ्लेशन की वजह से होगा जैसे हमने यहाँ बताया कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम हो रही है तो या तो इससे मालूम होगा या ये कि देर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द मार्केट जिसकी वजह से एम सही रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है ये दो दो ही वजूहत हो सकती हैं तो आ, अगर तो यील्ड कर्व जो है आ, फ्लैटन हो रहा है तो इससे इसका मतलब ये है लोअर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टर की मेजोरिटी जो है वो रिसेशन देख रही है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख रही जिसकी वजह से दे दे आर आर नॉट नॉट ये इन फ्यूचर एज कम्पेयर टू दे आर बैटिंग इन प्रेजेंट तो इस वजह से जो है वो यील्ड कप यानी ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑन द डेट मार्केट भी बता रहा होता है अब आप ये देखें जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अभी तो यील्ड कप यूएस का यील्ड कप फ्लैट हो गया था फ्लैट यील्ड कप का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर जो है आ, आ, उस उसमें वो वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम था था कम हो गया था उसका तो आ, तो कहने का मकसद ये है कि ये भी स्ट्रक्चर बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि शॉर्ट इन्वेस्टर्स आर नॉट फॉर सींग वेरी ब्राइट फ्यूचर इन द मार्केट सो सो वो जो है वो इस पॉइंट पर जो है वो uh, जो डिफरेंस है यानी कि शॉर्ट टर्म दे आर मोर इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म लार्जर देन देन लॉन्ग टर्म और दूसरा ये कि uh, क्योंकि फ्यूचर के अंदर दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज गेन इन फ्यूचर तो वो देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर क्योंकि रेट्स कम हो जाएंगे तो वो फ्यूचर की सिक्योरिटी ज्यादा बाय करेंगे जब फ्यूचर की सिक्योरिटी ज्यादा बाय करेंगे तो उसका यील्ड का फ्लैट हो जाएगा तो फ्यूचर में सिक्योरिटी ज्यादा बाय करने का मकसद एक तो ये है कि इन्वेस्टर ये ज्यादा फोर्सी कर रहे हैं कि आज के हालात से फ्यूचर के हालात में इंटरेस्ट रेट कमी आएगी जो कि थ्रू रिसेशन एक्ट करती है एक तो एक वजह यह है और दूसरा स्ट्रक्चर ये देखते हैं कि फ्यूचर की सिक्योरिटी ज्यादा बाय करने का मकसद एक तो ये भी हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई इन फ्यूचर मार्केट्स कम हो गई जैसे जब आपका जब आपका ये हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेडेबल नहीं रही थी यानी कि इन्वेस्टर्स लॉस द कॉन्फिडेंस इन दो सिक्योरिटीज सो व्हाट वुड हैपन के जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उनका रेट बढ़ गया था जिसकी वजह से उसका प्रीमियम जो है यील्ड कर्व यानी कि सारी यूनिवर्सि 50 से 60 ट्रिलियन डॉलर्स की जो सिक्योरिटी थी वो ऑलमोस्ट नॉन ट्रेडेबल हो गई थी बिकॉज नो बडी वुड एबल टू ट्रस्ट सिक्योरिटी सो विल हैपन ऑल द ऑल ऑल द एक्सेस कैपिटल जो है वो फ्लो हुआ था फ्रॉम दोवर्मेंट सिक्योरिटी दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी वजह से क्या हुआ था प्राइस ऑफ द फ्यूचर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बढ़ गई जिसकी वजह से आपका यील्ड ही फ्लैट हो गया था तो uh,

थ्योरीज क्या होंगी टर्म स्ट्रक्चर की के एक तो थ्योरी हो सकती है प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी एक होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी में यील्ड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कुछ कुछ नहीं आपको समझ में आएगा यानी कि प्योर एक्सपेक्टेशन मींस के मार्केट मूव्स बाय फ्यूचर एंड करंट एक्सपेक्टेशन फ्यूचर एंड इन्फ्लेशन कम हो जाएगी हो जाएगी तो इसके अंदर यील्ड का नॉर्मल हम पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एक तो वो एक कह रही है एक होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारा स्कोप नहीं है मैं बहुत एक शॉर्ट टच कर रहा हूं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मींस के इन्वेस्टर ऑलवेज प्रेफर लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू नॉन लिक्विड तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वैलिड होती है तो यील्ड कर्व में जो है प्राइस ऑफ अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बी मोर एंड द प्राइस ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विल बी लेस जिसकी वजह से ये यील्ड कर्व जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और तो तीसरा जो है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी ये कहती है कि मार्केट जो है इन्वेस्टर की वो सेगमेंट बनी हुई होती है और वो सेगमेंट में रिफ्लेक्ट करती है कि मार्केट में कोई एक इन्वेस्टर तरह का इन्वेस्टर नहीं होता दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर और वो उनके सेगमेंट्स होते हैं कोई एक हाई रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर भी हो सकता है यानी रिस्क टेकर भी हो सकता है रिस्क अवर्स भी हो सकता है तो वो हर सेगमेंट की वजह से वो तो एक ही यानी कि यू कैन नॉट सेल्ड कर्व यानी वो सेगमेंटेशन बड़ी मैटर करती है कि आपका एक सेगमेंट है जहाँ पे बायर बहुत ज्यादा मौजूद है फॉर एग्जाम्पल मैं एक कहता हूँ कि आपका रिटायर्ड लोगों का सेगमेंट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लोग आते हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा ही फ्लैट हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी इतनी नहीं है जितना बायर तो वो segment पे वो depend करता है तो वो सेगमेंट पर वो डिपेंड करता है तो ये तीन तरह की थ्योरीज हैं जो कि प्रेडिक्ट करती हैं यील्ड कर् को तो बहर ये ये हमारा स्कोप नहीं है तो हमने बहुत बहुत, बहुत स्केचली इसको देखा है ठीक है ना क्लियर है आगे चले तो... चलते हैं। है ना आप लोगों को अब हम जो बात कर रहे हैं आई थिंक ये लास्ट वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है इसके तो वो रिस्क से बात है

तो तो ये मॉडगेज बॉन्ड होते हैं अच्छा इसमें ये ये कंपेरेटिवली सिक्योर होते हैं बिकॉज इसके अंदर जो कोलेट्रल होता है वो रियल स्टेट होती है डिपेंजर्स क्या होते हैं एनी यस कोई बताएगा

सबॉर्डिनेट डिबेंचर्स वो होते हैं वैसे सबॉर्डिनेट टू मेन डिबेंचर्स यानी कि अगर अगर डिफॉल्ट होता है तो पहले डिबेंचर्स किए जाएंगे एंड देन सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड वो ये होता है जिनका क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क जो है वो कम होता है जंक बॉन्ड वो कैटेगरी है जिसमें रिस्क ज्यादा होता है ठीक है ना ये yes, इसकी रेटिंग्स होती हैं ये जैसे मैंने आपको डिस्कस किया रेटिंग किस बेस पे निकलती है डेट रेशो टाइम इंटरेस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो है टी आई ई रेशो का ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्रेडिट रिस्क तो अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट होने की अभी तो हमने बात की थी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अब हम बात करते हैं कि डिफॉल्ट हो जाए सो व्हाट विल तो एक हैप्सी का एक टॉपिक है तो ये क्या पहले तो, तो ये बताएं कि डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी बैंक ये सब चीजें क्या है इधर दे आर सेम और उसमें कोई फर्क है जी सर बैंक तरफ तो ये कि जो तो आपके ऊपर लायबिलिटी आप इस काबिल नजर है कि अपने लायबिलिटी को पे कर सकते हैं पे कर पे कर सकते हैं तो उसको बैंक तरफ कहते हैं ठीक है डिफॉल्ट क्या है?

जी राजा आप बोल रहे थे कुछ जी ओएस आप बताए तो क्या रहे? जी राजा पहले बोल जा जो जाता है वो, जा वो किया अब ये सही बताया कि एक कोर्ट मामले में बीच में आ जा जाती है उसको इसको एलोबरेट करता हूँ जी ओवैस आप कंप्लीट कर लेने सर ऑलमोस्ट बैंक और बॉन्ड्स के अंदर जो डिफॉल्ट होता है अगर तो बॉन्ड्स में डिफॉल्ट करेंगे मैंने दिया है और फिर मैं उसके प्रिंसिपल और जो मैंने इन्वेस्टर्स को पर दिया था अपना बॉन्ड इशू किया था एज अ कार्पोरेट होकर तो फिर मैं इन्वेस्टर को उसका पैसा नहीं लुटा रहा तो मैं वो डिफॉल्ट कर रहा हूँ वहाँ पर डिफॉल्ट में आ जाती है जैसे कुछ वगैरह हमारे पर डिफॉल्ट है सही है तो ये ये एक नहीं है मतलब माइनस का फर्क है ये आप समझ लें इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है नॉट एबल टू पे आइदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर पेमेंट की सलाहियत खत्म हो जाए आपकी आपके बिजनेस के अंदर आपके फॉर्म के अंदर तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी ठीक है डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इस उस इंसॉल्वेंसी को अनाउंस कर दें पब्लिक में उसको कहते हैं डिफॉल्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है बहुत सारी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो गई हो लेकिन डिफॉल्ट अनाउंसमेंट कम लोगों ने किया ऐसा होता है कि उनको कोई हेल्प मिल जाती है चीजें जब आपकी कोई हेल्प नहीं हो और इंसॉल्वेंसी बरकरार हो और आपकी पेमेंट आ गई हो तो आप एक अनाउंस करते हैं थ्रू मीडिया के यू आर इन डिफॉल्ट तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट तो बात समझ में आई डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ठीक है अच्छा अब बैंक क्या होता है बैक्रप ये होता है कि जब आप डिफॉल्ट करते हैं जब आप अनाउंस करते हैं फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि हमें डिफॉल्ट हो गया व्हेन आई विल नॉट बी एबल टू पे तो उस वक्त जो है आपके एसेट पे जो है क्लेम ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है आपके इन्वेस्टर्स का तो इन्वेस्टर्स कैन तो बेसिकली सेल योर एसेट्स एंड रिकवर देयर अमाउंट बिकॉज यू हैव के आप अब पेमेंट के काबिल नहीं है तो हम बैंक यानी डिफॉल्ट हो गए तो उसके अगेंस्ट जो है ना ये जो कंपनी है वो कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट से कहती है प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दो इन्वेस्टर्स क्योंकि मैं, मैं, तो उसको इसको कहते है, इस कहते हैं हैं इस प्रोसीजर को बैंक ठीक है ना दैंक री प्रोसीजर इज बेसिकली द द सीकिंग कोर्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टर ये बात क्लियर हुई ठीक है तो ये तीन चीजें हैं uh, पहला स्टेज है इंसॉल्वेंसी का अगर इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू रहती है और आपको कोई मदद नहीं मिलती तो सेकंड स्टेज है मे बी जैसे अभी अब बात कहते थे कि पाकिस्तान का जब है स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ने तो वो उसको पैसे देने के यानी तनख्वाहों के यानी उसके पैसे नहीं थे यानी उसके ऑब्लीगेशन के तो उसको कहेंगे इंस्टॉलमेंट्स लेकिन अगर वो लेट सपोज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह दे कि आई एम वी आर डिफॉल्टिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेट बॉन्ड लेट सपोज इन यानी अगर अनाउंस करें पब्लिकली कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं तब उसको डिफॉल्ट कहा जाएगा ठीक है ना जब तक आप अनाउंस नहीं करेंगे आप इंस्टॉलमेंट ही रहेंगे डिफॉल्ट नहीं कहेंगे ठीक है ना इवन अगर आप नहीं भी पे कर पाए अपने उसको टाइम, लेकिन तब भी आप में नहीं जाएंगे, मतलब या तो ये इन्वेस्टर पातेस की यू अनाउंस योर सेल्फ के जो है ना आप है तो वो नहीं हो। अच्छा जब डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर कोर्ट प्रोटेक्शन में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं बैंक तो ये तीन चीजें हैं अलग अलग ठीक है जब कोर्ट में

तो बैंक्रेप्सी जो है वो दो तरह की दो तरह से इसमें है दो प्रोविजन होती है वन इज चैप्टर इलेवन और दूसरा है चैप्टर सेवन चैप्टर इलेवन का मतलब यानी दो काम कर सकती है कोर्ट या तो वो कोर्ट कहे कि लिक्विडेट कर दो यानी कि बैंक को रिजेक्ट कर दे और या दूसरा कहे कि रीऑर्गेनाइज करेगा कोर्ट ये मौका दे दे थोड़े अर्से के लिए यानी दो तीन साल के लिए या कुछ अर्से के लिए कि भाई आप जो है ना इनको मौका दे दें एक एक मौका दे दें जिसमें आप रीऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद जो है अगर नहीं होता तो बैंक हो। अच्छा मुझे बताएं कि इन्वेस्टर किसको प्रेफर करेंगे पॉसिबली रीऑर्गेनाइजेशन को प्रिफर करेंगे तो लगता तो ये है कि लॉजिक तो ये कहती है कि लिक्विडेशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि आप लिक्विडेट करें और जल्द अजल्द पैसे करें लेकिन इन्वेस्टर रीऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं इवन क्रेडिटर भी रिओर्गे करते हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि अगर लिक्विडेट किया जाता है अगर कंपनी लिक्विडेट होती है ठीक है ना तो आ, तो अच्छा पहले तो समझ समझे रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है तो अगर कोर्ट कोर्ट ऑर्डर देती है रीऑर्गेनाइजेशन अच्छा कोर्ट कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करेगी कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है या रीऑर्गेनाइज हो रही है वो ये देखेगी कि अगर तो लिक्विडेट होने से अच्छा कोर्ट जो है ना वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखेगी ये में ये आप जहन में रख लें कोर्ट जो है कभी भी कंपनी के हक में नहीं फैसला करेगी कोर्ट विल ऑलवेज लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है तो वो कोर्ट रीऑर्गेनाइज करेगी अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट लिक्विडेशन में ज्यादा है तो कोर्ट लिक्विडेट करेगी ये बात समझ लें ये क्लियर है अब इन्वेस्टर <coughs> का इंटरेस्ट रिओर्गेनाइजेशन में कैसे ज्यादा हो सकता है वो इसलिए हो सकता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी जब लिक्विडेट करने जाते हैं तो आपको उस उस एसेट की इतनी प्राइस नहीं मिलती

फिर क्या होता है कि वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है ना उस कंपनी को उस कंपनी में राइट right साइजिंग करता है यानी कि उसको डाउन साइज करता है उसको खत्म उसमें जिस हद तक जो है ना उसको छोटा करना है वो कर देता है जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है उसकी उसके बाद जो है फिर उसको जब वो रीऑर्गेनाइज यानी जब तक के वो कंपनी री ई मे बी समाइम वो प्राइवेट कर देता है पब्लिक से तो मेजर चेंजेस आती हैं कंपनी के अंदर और उसके बाद जो है अगर वो काबिल हो जाती है तो वो तो वो ये कोर्ट बेसिकली कंपनी जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनता है तो वो कोर्ट के बेसिकली उसमें चली जाती है उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के

तो उसके बाद अभी उसको बैंक ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू उन्होंने बोला कि चलाएंगे जो हाँ। कि अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए तो ये सब तमाम तीनों चीजें उसी के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर लाए करते हैं लाए करते हैं गुड तो यहाँ में केस स्टडी मिल जाती है पीआईए की केस स्टडी है इसके अंदर यू हैव अ ड

पेफर्ड, पेफर्ड इस्टॉक 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 सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो सिक्योर क्रेडिटर्स को मिलेगा अगेंस्ट जो, जो, जो कोई कोलेट्रल मौजूद होता है जैसे पार example, आ, आपने लैंड रखवाया हुआ है या कोई और कोलेक्ट्रल रखवाया ना तो जो कोलेट्रल के अगेंस्ट जिसने लैंडिंग की हुई है उसको हम कहेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर की उनकी लैंडिंग जो है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट कोलेट्रल तो वो कोलेट्रल बिकने में सबसे पहला जो हक हाँ है वो सिक्योर क्रेडिटर्स का नंबर वन अगर लेट सपोज सिक्योर क्रेडिटर को पैसे मिल जाते हैं और कुछ पैसे बचते हैं तो वो किसको मिलेंगे Then I think नहीं। किसको मिलेंगे को? नहीं। नहीं। मिलें कि की। की जो ना जो ट्रस्टी बनाया था बोर्ड ने उस ट्रस्टी की जितनी भी कॉस्ट होंगी वो पूरी की जाएंगी उससे ठीक है ना अगर लेट्स सपोज के बाद ही पैसे बच जाते हैं तो किसको मिलेंगे सारी लाइबिलिटी सेटल होने के बाद शेयर होल्डर्स को मिलते हैं अभी लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई उसके बाद जो है ना वेजेस वगैरह की सेटल सर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर किसी एम्प्लॉय की मौजूद है या आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन मौजूद है तो वो वेजेस पे किए जाएंगे उसके बाद अगर पैसे बच जाए तो फिर किसको कहाँ जाएंगे वो पैसे

दिए टैक्स का ना वो गवर्नमेंट के पैसे सारे वापस किए जाएंगे अगर टैक्स के बाद सेकंड सेकंड क्या आता है? आपका आता है है आपका पेंशन फंड अगर पेंशन तो की ऑब्लिगेशन आपने पे कर ली और पैसे बच गए तो फिर कहा जाएगा अब आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ठीक है ना ये देखें क्लेम तो फर्स्ट जो है सिक्योर क्रेडिटर ट्रस्टीज टैक्सेस पेंशन फंड

ठीक है ठीक है ना अब ये देखे इतना आसान नहीं है कि जी की आराम से बिक जाते हैं समटाइम्स देखे ना एसिड समटाइम्स ऐसा होता है कि एसिड की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती एसिड भी कंपनी की वैल्यू के साथ टाई होता है इसकी एग्जांपल आपकी आजकल की कंपनीज हैं आप कोई भी कंपनी उठा लें जैसे गूगल उठा लें गूगल अल्फाबेट जो है तो उनकी जो है एसिड जो है वो वन ट्रिलियन के एसिड्स है लेकिन वो सारे एसेट जो है, they don't have that physical होती है, तो समाइम्स हो so ऐसा होता है कि जब आप लिक्विडेट करने जाते हैं किसी भी कंपनी को तो आपको वो एसिड की वो वैल्यू नहीं मिलती जिसकी वजह से ये जो सब लोग है ना ये सब लोग प्रिफेर ही करते हैं कि रीऑर्गेनाइज हो जाए इसी वजह से मैंने ये कहा था हाँ, अगर कंपनी स्टील मिल जैसी है जिसके में लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है जिसकी अपनी वैल्यू है इन रिस्पेक्ट टू द एसेट की वैल्यू तब आप इन्वेस्टर जो हो सकता पर है लिक्विडेशन पे जाए क्योंकि invest, करने के बाद जो है उसके इंटरेस्ट ज्यादा सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल अगर स्टील मिल बैक्रप्सी पे जाए तो मे बी कोर्ट उसको लिक्विडेड का ऑर्डर दे लेकिन अगर पी आई ए बैंक्रप्सी पे जाए तो मे बी कोर्ट उसको रिकॉगनाइजेशन का ऑर्डर दे क्योंकि पी आई ए के वो एसेट नहीं है इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू स्टील मिल ये बात समझ में आ रही है यस yes, सर तो ये है बैंक और ये हमने चीजें डिस्कस कर ली तो एनी क्वेश्चन तो फार कोई सवाल जी नो no, सर तो तो ये जो है हमारा जो है बॉन्ड की कॉन्सेप्ट सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं इसके हमने प्रैक्टिकली भी वो देख लिया है क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो केस भी मोस्टली आपने हो सकता है कर लिया हो आ, केस किया आप लोगों ने वो जो मिनी केस था ये ये केस हाँ केस के तो को इसमें कोई को,